तो आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे व्हाट शुड बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इंक्लूडिंग चेंजेस इन कैप्टेंसी, कोचिंग एंड स्क्वाड। ऑल्सो रिएक्ट करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टी20 स्क्वाड पे एंड मेसी एंड रोनाल्डो प्ले अगेंस्ट ईच अदर फॉर वन लास्ट टाइम। एंड लास्ट की बात करेंगे अबाउट द राइजिंग नंबर ऑफ इंजरीज इन यूरोपियन प्लेयर्स आफ्टर गावीज एसीएल टियर एंड प्रीमियर लीग स्ट्रेटजी टू स्टॉप ऑल द ऑयल क्लब्स। सो लेट्स बिगिन। तो भाई वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, इंटरनेशनल ब्रेक भी अब खत्म हो चुका है, वीकेंड से नॉर्मल क्लब मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और बीसीसीआई ने अब टी20 सीरीज भी रख दी है। तो आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू लुक अहेड व्हाट्स नेक्स्ट। अब इसके बारे में हमें जानना है कि आगे चल के क्या करने वाले हैं हम लोग। पूरे पॉडकास्ट का थीम ही यही है कि मतलब क्या चेंजेस की जरूरत है दोनों स्पोर्ट में, क्या हो रहा है, आगे कैसे होगा। एग्जैक्टली। बट हाउ आर यू रिकवरिंग फ्रॉम द लॉस? भाई वो रील्स वाला सीन तो अभी भी है। जब वो रील्स दिख जाती हो रोने वोने गाने वाले तो गंदा तो लगता ही है देख के। बट हाँ भाई मतलब ठीक है, हो गया। मुझे तो मोदी जी ने गाना होता है मुझे तो अभी विश्वास ही नहीं हो रहा भाई। मैं अभी भी डिनायल मोड में हूँ। मुझे पता नहीं कब हिट करना शुरू करेगा। बट आई थिंक आज हम लोग फुटबॉल से पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज के टॉपिक्स ना कुछ बहुत स्पेसिफिक टाइप के ऐसे नहीं है कि मैचेस की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेयर की बात कर रहे हैं। इट इज़ इन जनरल जो कि फुटबॉल में हो रहा है और काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है ये एक्चुअली में, विच इज़ द इंजरीज। नाउ इंटरनेशनल ब्रेक में वेदर यू आर अ बार्सिलोना फैन, मैड्रिड फैन, यूनाइटेड फैन, किसी भी टीम के फैन हो, आई थिंक ये इंटरनेशनल ब्रेक एक बहुत बड़ा आई थिंक वेकअप कॉल रहा है, काफ़ी क्रूअल रहा है सबके लिए। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत मेन प्लेयर्स की बहुत तगड़ी इंजरीज हो गई हैं। अभी लेटेस्ट हाल ही में गावी को हुई है, उसके लिए भाई फिर वेरी सैड भाई। 19 साल का है वो और उसको एसीएल टियर हो चुका है। मोस्ट प्रोबब्ली ही विल मिस द नेक्स्ट यूरोज अभी। हाँ और हाँ इनफैक्ट 8-9 महीने के लिए तो कन्फर्म्ड ही है। राइट। तो ये सीजन तो पूरा चला गया। अब 8-9 महीने अगर यहाँ से हम लोग गिनने शुरू करें तो आई थिंक यूरोज कितना जून जुलाई में होगा। हाँ नहीं हो पाएगा उसका, वो कह रहे भाई। हाँ तो गया। Exactly. मतलब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद 6 महीने में रिकवर कर जाए, बट आई डाउट। उस यंग एज में जब मसल्स डेवलप भी नहीं हुई होती तब अगर आप इतनी जल्दी रिकवरी कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आई थिंक अगर यहीं पे वो 25-26 का होता, अगर जब तक बॉडी डेवलप हो जाती है तो इट इज़ आई थिंक ईजियर टू रिकवर। ये तो आई होप कि फाटी 2.0 वाला सीन ना हो क्योंकि इतनी यंग एज में एसीएल टियर हो गया। ऑल्दो आई डू थिंक वो मेंटल फैक्टर जैसा फाटी का वो गावी के साथ नहीं होगा क्योंकि ही इज़ क्वाइट मेंटली स्ट्रॉन्ग एज इट सीम्स। बट पॉइंट वो है कि जब इतनी बड़ी इंजरी होती है उसके बाद जब आप वापस खेलने आते हो, पहली बात तो क्या आप उस लेवल पे खेल पाओगे, क्या आप, क्योंकि गावी की जॉब भी ऐसी है ना फील्ड पे, उसको तो भागते रहना लगातार, प्रॉपर इंटेंसिटी प्रोवाइड करना उसका ही काम है। कोई एक ऐसा स्टार्ट था कि जब से उसने बारसा से डेब्यू करा है उस टाइम से लेके अभी तक उसने बारसा के लिए सबसे ज्यादा मिनट्स खेले हैं और किसी भी प्लेयर ने नहीं खेले इतने मिनट्स। और यूरोप के टॉप 5 लीग्स में सबसे ज्यादा फाउल्स ड्रॉ करें, कुछ 1000+ फाउल्स जब से उसने खुद डेब्यू करा है। तो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि नॉट जस्ट फॉर बारसा बट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एज वेल क्या इम्पैक्ट रहा है उसका। अब बारसा के लिए तो ऑफकोर्स कितना क्रूशल रहा है। मतलब अभी पेड्री डियोंग इंजर्ड थे, अब वो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब एक और मेन प्लेयर को इंजरी हो गई। आई थिंक बहुत वाइडली ये एक्सेप्टेड चीज़ है इस सीजन में कि गावी वाज प्रॉब्ली योर बेस्ट प्लेयर बार्सिलोना का। तो अगर उसको ही इतना बड़ा ब्लो लगता है, अब पेड्री विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इज काइंड ऑफ अनरिलायबल राइट नाउ कि कब वो इंजरी हो जाएगी, कब ठीक होगा, कुछ पता नहीं होता। लेवेंडोस्की इधर परफॉर्म नहीं कर रहा है। आई थिंक ये जो अपकमिंग जनवरी ट्रांसफर विंडो होने वाली है ये सारे क्लब्स के लिए बहुत क्रूशियल होगी। क्या आप तो शायद अगर फोर्स हो रहेंगे ना खरीदने के लिए कोई ना कोई। एग्जैक्टली। तो किस तरीके से अब टीम्स जो है, क्लब्स जो है अप्रोच करते हैं इस विंडो को, वो बहुत बड़ा देखने लायक चीज़ होगी। क्या क्या प्लेयर्स अब जाते हैं उधर। एंड जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट सिर्फ गावी इंजर्ड नहीं हुआ है, मैं और कुछ प्रॉब्ली मेन प्लेयर्स के नाम लेता हूँ। विनीशियस को एसीएल टियर नहीं हुआ है बट ही इज आउट फॉर 2 मंथ्स। अब वो सीधा फरवरी में आएगा एंड वी ऑल नो विनीशियस कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर रियल मैड्रिड। क्या हुआ क्या उसको एग्जैक्टली? उसको कुछ बाइसेप टियर हो गया है। बाइसेप एज इन ये वाली नहीं, कुछ हैमस्ट्रिंग में जो होती है। पता है। तो उसके लिए वो 2 महीने के लिए बाहर हो चुका है। टर्स स्टेगन बाहर हो गया अभी, उसका भी वो है कि वो कब आ पाएगा। दे आर होपिंग कि जल्दी आ जाए बट जस्ट टेलिंग यू कि वो भी इंजरी हो चुकी है उसको। ज़ायरे एमरी वो भी अभी बच्चा ही था भाई, उसको भी इंजरी हो गई वहाँ पे। कामाविंगा इज ऑल्सो इंजर्ड, वो 2023 उसका पूरा चला गया, अब वो सीधा जनवरी में वापस आएगा। तो टोटल ऑल एंड ऑल अक्रॉस यूरोप एंड ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग फैक्ट है एंड इट इज़ वेरी काइंड ऑफ फ्राइटनिंग कि अभी तक सिर्फ 3 महीने हुए हैं एंड अक्रॉस यूरोप 22 प्लेयर्स को एसीएल इंजरी हुई है। और ये मतलब ये सिर्फ वो इंजरीज हमने मेंशन करी हैं जो कि थोड़ी लॉन्ग टर्म इंजरीज है, महीने 1.5 महीने कुछ की। करियर थ्रेटनिंग भी होती है एसीएल इंजरीज, करियर थ्रेटनिंग भी होती है। कुछ ऐसी भी हैं जो थोड़ी छोटी हैं इसलिए हमने मेंशन नहीं करी, बट अगर उनको भी काउंट करा जाए बिकॉज वो भी इंजरीज ही होती हैं तो गॉड नोस कितने सारे प्लेयर्स इंजर हो चुके हैं। एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे मैं अपने क्लब को भी लाऊंगा एक बार, रियल मैड्रिड को, क्योंकि एज आई सेड कि जनवरी ट्रांसफर विंडो बहुत चेंज होने वाली है क्लब्स की, बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड की नहीं हो रही, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम लोग कुछ जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई सस्टेनेबल प्रॉपर प्लेयर्स लिए जाते नहीं है, कभी सिर्फ एक ऐसा बैकअप ऑप्शन देखा जाता है, तो वी डोंट कंसिडर इट एज एन एक्चुअल विंडो. वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट, बट आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू से दैट. मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे कहते हैं कि यार कंट्रीज़ के मैचेस बीच में रख देते हो, इंटरनेशनल ब्रेक के चक्कर में जो इंजरीज हो जाती हैं हमेशा ना, वो मतलब इंटरनेशनल गेम्स का नाम इसीलिए इतना ख़राब हुआ हुआ है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ गाय जिससे क्रिकेट इतना देखा हुआ है, क्योंकि मैं क्रिकेट ज़्यादा फॉलो करता हूँ एज अपोज टू यू, तो मेरे लिए तो इंटरनेशनल मैचेस देखना मतलब इससे बड़ी प्राइड कोई है नहीं. और मतलब इंटरनेशनल मैचेस देखने का भी अलग मज़ा है अपना. ऑफकोर्स शायद वो उतना फास्ट पेस या एंगेजिंग ना हो जितना कि प्रीमियर लीग होता हो, बट एक अलग प्राइड आती है उस पर, एक अलग सेंस ऑफ इंटेंट से खेलते हुए दिखते हैं प्लेयर्स. एंड वो चीज़ जब कॉम्पिटिशन आते हैं, यूरोस, वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका, वो चीज़ दिख जाती है. वो तो अल्टीमेट लेवल है भाई. तो पॉइंट मेरा वाई मेंशन दिस इज कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रेक्स को ब्लेम करते हैं. हम लोग एट वॉट पॉइंट डू वी स्टार्ट कॉलिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लब्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल रियल मैड्रिड जैसे है, अगर रियल मैड्रिड हेल बेंट है कि हमें नए प्लेयर्स नहीं लेने, हमें टूटी स्क्वाड से ही पूरा सीजन खेलना है, तो ऑफकोर्स जो बचे हुए प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एक एक्सेसिव प्रेशर होगा कि आपको हर मैच खेलना पड़ेगा. राइट. तो और भाई इंटरनेशनल गेम्स तो साल में कितना 7-8 गेम्स होते हैं क्लब से, तो तुम 60-65 खेलते हो. राइट. तो अगर वो मतलब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लब की है ना इंटरनेशनल गेम से ज़्यादा. अगर वही अच्छे से रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बैकअप्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो भी तो कितनी इंजरीज कॉज कर रहे हैं. exactly, मतलब मैं रियल मैड्रिड का नाम से विस्तार ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी डिप्लीटेड स्क्वाड सबसे ज़्यादा उन्हीं की दिखती है टॉप क्लब्स में. बट एनी क्लब कुड बी अप्लाइड टू दिस सिचुएशन. डोंट यू थिंक कि क्लब्स को भी हमें कॉल आउट करना चाहिए, नॉट जस्ट द इंटरनेशनल टीम्स? आई थिंक डेफिनेटली करना पड़ेगा. आई थिंक बस करा इसलिए नहीं जाता क्योंकि एज अपोज टू क्रिकेट, फुटबॉल इज अ क्लब सेंट्रिक स्पोर्ट जहाँ पे नेशनल टीम्स को बाद में प्रायोरिटी दी जाती है और क्लब्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है. आई थिंक ओनली फॉर दैट रीजन नहीं दिया जाता, वरना इफ वी आर आइडियली स्पीकिंग तो वी शुड कॉल आउट द क्लब्स एज वेल. अगर आप लोग एक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते प्लेयर्स के लिए भी, हर देखो भाई इस टाइम पे मॉडर्न डे गेम में तो हर 2-3 दिन में मैचेस हो रहे हैं. ऑब्वियसली कोई प्लेयर इतना टोल नहीं ले सकता, कोई भी नॉर्मल प्लेयर, कोई भी एलीट प्लेयर भी नहीं ले सकता. दिस इज वाई आई थिंक कि हम लोग और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अबाउट प्लेयर्स लाइक, जो हम लोग रोनाल्डो मेसी की बात करते हैं कि ये तो इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस एज पे लोग हैं, आई नो हम लोग MLS की बात कर लें या फिर सऊदी की बात कर लें तो उस लेवल का कॉम्पिटिशन नहीं है, बट द फैक्ट इज कि हर 3 दिन में लोग मैचेस खेल रहे हैं. अभी इस महीने आया था ना, कौन सा अगस्त का महीना था, कौन सा था जब 10 मैचेस लगातार खेले थे. एग्जैक्टली. और मतलब वही रोनाल्डो को तो कोई इंजरी हुई नहीं उस टाइम पे थैंकफुली, मेसी को भी हुई थी तो थोड़ा मसल में एक फटीग हो गया, राइट, यहाँ पे घुटने टूट रहे हैं लोगों के. बट आई थिंक वही बात है कि एज फुटबॉल फैंस वी हैव टू रियलाइज कि नॉट एवरी प्लेयर इज दैट गिफ्टेड. हाँ, फॉर श्योर. हम लोग हर प्लेयर से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हज़ार्ड की बात हो, चाहे वो नेमार की बात हो. मतलब वैसे चलो तो उनको तो अलग टाइप की इंजरीज हुई हैं, बट इन जनरल भी अगर विनीशियस को भी अभी से इतनी चीज़ हो रही है, क्योंकि इस सीजन की बात करें तो विनीशियस हैज़ बीन मोस्टली आउट ऑन द साइड लाइन्स. एंड ऐसे बड़े प्लेयर्स, पेड्री वॉज सपोज टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग राइट नाउ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ही वोंट बी, बट द फैक्ट इज कि बहुत इंजरीज हो रही है उसे. एक हिंड्रेंस तो आया है. फाटी के साथ सेम चीज़ थी. फाटी तो भाई अलग लेवल का बंदा था इस टाइम पे, क्या सोचे थे कि मेसी को आउटस्कोर कर देगा. एग्जैक्टली. और उसके अभी ब्राइटन में पड़ा हुआ है वो, वहाँ पे भी रोज यूज नहीं कर रहे उसको. ऐसे ही और प्लेयर्स, अभी कामाविंगा को इंजरी होती है रियल मैड्रिड में इस टाइम पे, कोर्तुआ इंजर्ड था, मिलिटाओ इंजर्ड है, चुआमेनी इंजर्ड हो चुका है, सबायोस इंजर्ड हो चुका है, केपा इंजर्ड हो चुका है, अर्धा गोलर इंजर्ड है, कामाविंगा इंजर्ड है और विनीशियस इंजर्ड है. तो मेन टीम से ही इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं. तो इट इज़ सो सरप्राइजिंग कि अभी भी हम लोग अगर बात करें तो ये मैचेस जो हम कह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अभी सिर्फ एक ही रीज़न है कि क्यों इंजरीज बढ़ रही हैं, दैट इज़ कि मैचेस बढ़ते ही जा रहे हैं. एंड द सरप्राइजिंग इज़ कि ये मैचेस और बढ़ाने का प्लान है. और चाहे हम लोग यूसीएल की बात करें, नेक्स्ट सीजन से फॉर्मेट चेंज हो रहा है, और टीम्स आने वाली हैं, ग्रुप स्टेज में एक और टीम आ जाएगी तो और मैचेस होंगे. चाहे हम लोग थोड़े सॉर्ट ऑफ ऐसे कॉम्पिटिशन्स की बात करें जिसकी नीड नहीं है फालतू में, नेशंस लीग की बात करें जो कि हर बार बीच में आ जाते हैं कुछ. मैं तुम रोनाल्डो फैंस को ऑफेंड कर रहे हो. नहीं, मतलब जितने भी रोनाल्डो फैंस हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑफिशियली काउंट होती है ट्रॉफी, बट द फैक्ट इज कि जो ट्रॉफी आप लाए हो उसके चक्कर में प्लेयर्स कितने ज़्यादा हालत खराब हो रही है उन प्लेयर्स। बेसिकली नेशंस लीग, जिनको नहीं पता है, इट केम इन एज अ रिप्लेसमेंट फॉर यूरोपियन फ्रेंडली गेम्स। एग्जैक्टली, हां, जो जैसे साउथ अमेरिका में लोग कहते हैं कि मेसी के इतने फ्रेंडली मैचेस क्यों होते हैं, वो रीजन वही है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूरोप में हार्डली कोई फ्रेंडली मैचेस होते ही। आई थिंक कब हुआ था लास्ट टाइम, साल में शायद एक बार कभी हो जाए तो हो जाए, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, वरना तो एवरी गेम इज एन ऑफिशियल गेम, क्योंकि नेशंस लीग को जो है वो यूरोपियन फ्रेंडलीज की जगह पे कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक वो मेजर फ्रेंडलीज आपको तभी देखने को मिलते हैं जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट से जस्ट एक दो महीने पहले, वर्ल्ड कप के पहले थोड़ा सा कर दिया तो। और उस चक्कर में प्रॉब्लम क्या है, इफ यू रिमेंबर जो पहला सीजन था नेशंस लीग का, उसमें से रोनाल्डो वगैरह खुद भी सेमीफाइनल से पहले नहीं आया था, राइट। बट अब क्योंकि इट इज एन एनुअल टूर्नामेंट और थोड़ा क्योंकि अब वो ऑफिशियली रिकग्नाइज भी है, तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव एन इंटरनेशनल ट्रॉफी ना, अब चाहे हर साल हो रहा है, चाहे 4 साल में एक बार हो रहा है। तो प्लेयर्स ने भी वो चीज रिकग्नाइज तो कर ही ली है। तो नॉट जस्ट रोनाल्डो बट एम्बापे, हालैंड, हर कोई खेल ही रहा होता है। एग्जैक्टली, नोबडी वॉन्ट्स टू मिस दोस गेम्स, क्योंकि इट इज अ रिलेटिवली ईजियर शॉट एट गेटिंग एन इंटरनेशनल ट्रॉफी, साल में अगर एक बार आ रही है हर बार। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप क्लब से तो गेम मिस नहीं कर सकते, तो अब आप क्या करोगे, फिर आपको कंट्री से भी खेलना है, क्लब से भी खेलना है, अल्टीमेटली आप अपनी बॉडी तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, राइट। दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। एंड एक बहुत सरप्राइजिंग स्टार्ट ये है कि अगर हम लोग प्रीमियर लीग की बात करें, क्योंकि इट इज द मोस्ट पॉपुलर लीग, सबसे ज्यादा फास्ट लीग वो है, सबसे ज्यादा टैक्सिंग लीग वो है, अभी तक 3 महीने हुए स्टार्ट हुए हुए सीजन को, और ऑलरेडी 196 इंजरीज हो चुकी हैं। 196 इज अ ह्यूज अमाउंट, दैट इज बेसिकली 15% मोर दैन एज कम्पेयर टू द लास्ट 4 सीजन्स। 4 कैंपेन्स में जितनी अब तक इंजरीज हुई है, उससे 15% ज्यादा इंजरीज इस सीजन में ऑलरेडी हो चुकी हैं। 196 तो बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। एंड ये बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोइंसिडेंस नहीं है कि नहीं इस सीज़न हो रहा है, वैसे नहीं होगा। एक तो जब इसके अंदर मैं और रिसर्च कर रहा था तो आई ऑल्सो रेड कि एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें वर्ल्ड कप का भी है। लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है कि मे बी उस टाइम पे आपको नहीं पता चला कि आपकी बॉडी ने कितना टोल ले लिया, बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कभी ना कभी आपकी बॉडी ब्रेकडाउन करेगी। वो तो काफ़ी चीज़ों के लिए कहते हैं ना, जैसे अभी हम लोग को नींद नहीं मिलती इतनी, हाँ राइट, तो उसका भी तो वही है कि अभी तो पता नहीं चल रहा, अभी तो जवानी है, अभी तो 4 घंटे 2 घंटे सो के भी चल रहा है काम, राइट। पर वो लोग कहते हैं कि यू नो इन द एज ऑफ 60-70 तब जाके आपको इफेक्ट दिखेंगे, पता नहीं भाई तो क्या होगा, पैसे इकट्ठा करो भाई। बट मतलब बहुत सैड थिंग है कि इस टाइम पे प्लेयर्स के साथ ऐसा हो रहा है। एंड इतने सारे प्लेयर्स ने खुद आके बोला है, लाइक आई रिमेंबर कोर्टा वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ स्टिक फॉर कॉलिंग आउट दीज अथॉरिटीज, एंड एवरीबडी वाज लाइक कमेंट्स में सब लोग ऐसा कह रहे थे कि तुम पैसा भी तो इतना कमा रहे हो और अननेसेसरी क्यों पंगे ले रहे हो, हाँ एग्जैक्टली। बट द फैक्ट इज कि आई थिंक धीरे धीरे करके अभी रिसेंटली वरान ने भी ये चीज़ कही थी, एंड कितने प्लेयर्स इस टाइम पे इंटरनेशनल ड्यूटीज से अपना वो कर दे रहे हैं, क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं एंड क्लब के लिए खेल रहे हैं, विच ऑब्वियसली यू डोंट लाइक टू सी इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट। आप अपनी कंट्री को तो प्रायोरिटाइज करोगे ही करोगे ना। तो अब जब प्लेयर्स भी आके धीरे धीरे कर रहे हैं ऐसे, मतलब सॉर्ट ऑफ ए स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई थिंक इट इज़ बाउंड टू हैपन कि ये इन वेरी नियर फ्यूचर ये चीज़ होगी कि प्लेयर्स थोड़ा सॉर्ट ऑफ एक प्लेयर्स अपनी यूनिटी बना के कॉल आउट करेंगे इस चीज़ को। बट यार मतलब वो प्लेयर्स एसोसिएशन वगैरह भी कुछ होता है ना, आई एम नॉट रॉन्ग, कितना ही फर्क पड़ेगा, डू यू थिंक कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि ऑन द ग्रैंडर स्केल जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अल्टीमेटली क्या है, अभी फुटबॉलर्स कहने को तो सुपरस्टार्स है, मीडिया अटेंशन बहुत मिलती है, बट रियलिस्टिकली इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल वो लोग हैं जो कैमरा के पीछे हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं, जो कि CEOs हैं, फाउंडर्स हैं, और वो तो अपना बिजनेस ही देखेंगे ना। उनके लिए तो ये सारे प्लेयर्स एक मतलब वो होता है ना, चेस के बोर्ड पे एक प्यादे जैसे हैं कि भाई तुम ये चाल चलो, इसको सैक्रिफाइस कर दो, लेकिन पैसा बहुत आएगा इस चीज़ से। तो अगर उनका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखो प्लेयर्स भी क्या, ये जैसे स्कूल में नहीं कहते थे बचपन में कि एक बंदा बंक करेगा तो पकड़ा जाएगा, या तो पूरी क्लास साथ में बंक करेगा तो फिर यूनिटी दिखेगी, या फिर पूरा बैच ही बंक कर दे एक पूरे पीरियड को। अगर सिर्फ 10 बच्चे कर रहे हैं 30 बच्चों की क्लास में से, तो वो 10 बच्चे फंसेंगे। राइट, तो या तो सारे के सारे फुटबॉलर्स यूनाइट होकर स्ट्राइक दे दे कि हमें खेलना ही नहीं है, काइंड ऑफ लाइक जो भी हम लोग मार्वल के साथ देख रहे हैं हॉलीवुड में, कि वो एडिटर्स और VFX वालों ने सबने स्ट्राइक दे दी थी बीच में कि हम एडिट नहीं करेंगे आपकी, इतने गंदे वर्किंग कंडीशंस हैं, तो उसके चक्कर में उनके सारे प्रोजेक्ट्स रुक भी गए। तो या तो कुछ ऐसा हो कि फुटबॉल में जेन्युइनली सारे गेम्स रुक जाएं एक नंबर के लिए, क्योंकि प्लेयर्स ही नहीं खेलना चाहते, तब दे विल हैव नो ऑप्शन बट टू लिसन टू देम। बट अगर ऐसा हुआ कि मतलब मैं कह रहा हूँ कल को मेसी, रोनाल्डो, नेमार ऐसे 10-15 सुपरस्टार्स भी मना करते हैं, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स खेलने को तैयार है, फुटबॉल विल मूव ऑन। भाई बहुत मतलब नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ. ये कुछ भी कितने भी बड़े सुपरस्टार हो, फुटबॉल से बड़ा कोई कभी नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स से बड़ा कोई इंडिविजुअल कभी नहीं होगा. तो वो एक बारी को लगेगा बड़ा झटका मीडिया को कि अरे मेसी रोनाल्डो ने कैसे बोल दिया यूनाइट होकर कि हमें नहीं इतना प्रेशर चाहिए, इतना ज़्यादा एबनॉर्मल नंबर ऑफ गेम्स क्यों खिला रहे हो. बट फुटबॉल विल स्टिल मूव ऑन, दे वोंट केयर. एक दो दिन सबको लगेगा, फिर सब आगे बढ़ जाएंगे. तो आई डोंट सी हाउ दिस रियलिस्टिकली हैपेंस कि प्लेयर्स रिवोल्ट करके एक्चुअली में एग्जीक्यूट करा पाए चीज़ को. अच्छा, एक बहुत अजीब सी चीज़ ये है कि क्यों टॉप क्लब्स जो हैं वो और ज़्यादा इस चीज़ से परेशान है. वो ये है कि आप यूसीएल के गेम्स तो बढ़ा रहे हो, बट द पॉइंट इज कि जो रेवेन्यू शेयर रहा है वो उतना ही रहेगा अल्टीमेटली. क्लब्स के पास उतना ही शेयर वापस क्लब के पास आएगा जो कि रेवेन्यू आएगा उनका यूसीएल में जाने से जितना पहले आ रहा था. तो आप क्लब्स भी आप मैचेस भी बढ़ा रहे हो, आप प्लेयर्स पर टोल भी ज़्यादा ले रहे हो, और उल्लू भी हम ही बना रहे हो क्योंकि पैसे तो हमारे पास आ नहीं रहा. तो नेचुरली एक जो सवाल उठता है दैट इज द सुपर लीग. एंड आई थिंक ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट मिल सकता है इन नियर फ्यूचर, बिकॉज वो अपना फॉर्मेट थोड़ा वैसा कर रहे थे जो कि छोटे क्लब्स भी अब आ सकते हैं वहाँ पे खेलने के लिए, एंड रिलेटिवली थोड़े कम मैचेस होंगे प्लस पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा. बट वही पॉइंट है ना जो अभी मैंने कहा, वो प्लेयर्स के लिए था, तुम क्लब्स के लिए भी ले लो वो चीज़. क्या सारे क्लब्स ऑन पेपर आ पाएंगे? हाँ हाँ राइट. क्योंकि प्लेयर्स, ये पावर के स्केल की बात करूँ, प्लेयर्स, उसके ऊपर क्लब्स, और उसके भी ऊपर ये सारे फीफा और या यूएफए के ओनर्स. तो प्लेयर्स तो मतलब इररिलेवेंट ही है इस चीज़ में, उनके तो कोई सही नहीं होने वाली है. क्लब्स जो कि प्लेयर्स से बहुत बड़े होते हैं वो भी कुछ भी नहीं है इन ऑर्गेनाइजेशन के सामने. अभी हमने देखा था कैसे रियल मैड्रिड, यूवेंटस और बार्सिलोना ट्राई कर रहे हैं, अल्टीमेटली सब टूट गया ना. और ऑन द डार्कर साइड मैं तो ये भी कहूँगा अगर सब अलाइन हो भी जाए ना, ये इनको डिवाइड एंड रूल करवा ही देंगे, डिवाइड एंड रूल कराएंगे. आई थिंक बहुत बड़ा जो एक फ्लॉ आ गया इस चीज़ में वो ये आ गया कि अगर इन्हें मना कर दिया तो कह देंगे हम सऊदी क्लब्स को ले लेंगे. हाँ, अब तो वो ऑप्शन भी है भाई, बहुत बड़ी बात है. और अगर ये लोग देखेंगे, प्लेयर्स देखेंगे कि ना तो हमें यूसीएल खेलने को मिल रहा है ना सुपर लीग बन पा रही है, तो दे विल अल्टीमेटली मूव टू सऊदी क्लब्स आल्सो. तो यूरोपियन फुटबॉल का तो वैसे भी वो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा. राइट, दैट्स अ गुड पॉइंट. बट मुझे ये लगता है कि एट दिस पॉइंट आई डोंट नो कि फुटबॉल यहाँ से, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अभी तक इंजरीज वाला जो पॉइंट था ना इसको कोई इतना सीरियसली लेता नहीं था, बट ये स्पेसिफिकली जो गावी वाली इंजरी हुई है इसके बाद से, क्योंकि आई थिंक थ्रू आउट द जितने भी फैन बेसेस हैं फुटबॉल के, आई थिंक सबने सिंपैथी दिखाई है इस चीज़ में. और आई थिंक वो एक प्रॉपर केस ऑफ ओवर यूज है क्योंकि कोई टैकल वैकल तो पड़ा नहीं था. हाँ राइट राइट. और अपने पास ही अपने भी बॉल में खेल रहा था, वो एकदम से वो स्नैप करा उसका लिगामेंट वहाँ पर. राइट. तो इट इज़ नॉट समथिंग एक ब्रूटल टैकल पड़ी है या फिर एक बहुत इंटेंस स्पेस पे फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया घुटने का कि एकदम से वो झटका लग गया लिगामेंट में. इट इज़ purely on the basis of overuse. And we kind of also saw this with Pedri last season and even this season, to be very honest. तो ये कहना कि एक तो ना, मैं एक स्टडी भी पढ़ी थी बहुत इंटरेस्टिंग कि आप 17 से 20 साल की उम्र में जो प्लेयर बहुत ज़्यादा मैचेस खिलाते हो जिनको आप, उनका यूजुअली करियर बहुत गंदा जाता है आगे जाके, लॉन्गजेविटी बहुत कम हो जाती है. और इस लिस्ट के टॉप पे थे हज़ार्ड और नेमार, उन्होंने बहुत मैचेस खेले थे 17 से 20 साल की उम्र में. ओके. और जो लोग इस लिस्ट में एकदम नीचे आ रहे थे वो फिर भी सस्टेन कर गए, पर जो ऊपर के 10-15 प्लेयर्स थे इस लिस्ट में जिन्होंने बहुत मैचेस खेले, बहुत नंबर ऑफ मिनट्स खेले, 17 से 20 या 16 से 20 की उम्र के बीच में, ऐसा कुछ, क्योंकि बॉडी तब ग्रो हो रही होती है, बॉडी तब ग्रो हो रही होती है. और जैसे एक ना एक थ्योरी ये भी कहती है कि ग्रोइंग एज में जैसे इंजरीज जल्दी रिकवर कर जाती हैं, हील कर जाती हैं, वो सब भी है. बट ऑल्सो द पॉइंट इज कि अगर एक बार आपकी मसल्स वगैरह मेच्योर हो जाए ना सही से, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत बेटर होती है, स्पीड वीड सब बेटर हो जाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट mid-20s, late 20s. और एक आपकी मसल की ना कंडीशनिंग उस लेवल की हो गई होती है, आपकी बॉडी की माइंड मसल कनेक्शन और मसल मेमोरी उस लेवल की हो चुकी होती है कि तब रिकवरी इन माई ओपिनियन इज मच ईजियर इफ यू आर इन पीक फिजिकल कंडीशन. बट अगर यही चीज़ आप 18, 19, 20 साल की उम्र में अगर आपको इंजरी हो जाए, तो ऐसी सीरियस टाइप की ACL वाली, आपकी बॉडी को दो काम करने हैं, ग्रोथ भी करनी है बॉडी की, वो भी मैनेज करनी है, और साथ के साथ एक इंजरी भी हील करनी है. हाँ. अब उसमें मतलब आई एम नॉट साइंटिफिकली श्योर अबाउट दिस कि क्या होता होगा. आई थिंक कि बॉडी काफ़ी बड़े डिलेमा में होती होगी कि मैं कैसे अपने जो खाना खा रही है, जो एनर्जी मिले, उस रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करूँ दोनों चीज़ में. और वन थिंग विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई थिंक जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा होती है वो इंजरी वाली होती है कि आप स्कार टिश्यू से उसको चलता हुआ बना दो, काम चलाओ बना दो, बट ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी की ओवरऑल, तो पहले उस पर फोकस करो. तो आई कुड बी रॉन्ग, मतलब डोंट कोट मी ऑन दिस. तो आई थिंक इसीलिए ग्रोइंग एज में उस चीज़ की रिकवरी होना, एक बार इतनी करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो जाए. एक तो ना ये भी बात है कि अगर एक बहुत ही यंग एज पे अगर आपके बहुत बार स्कार टिश्यू डेवलप हो जाए ना, तो स्कार टिश्यू भी एक टाइम तक ही काम करता है. उसके बाद वो बार बार स्कार टिश्यू, जिनको नहीं पता, मान लो आपका मसल है कोई, ठीक है, उसमें एक ऐसे कट लग गया, एक टीयर आ गया, तब वो दोबारा कैसे जुड़ेगा. मसल नहीं, आई थिंक इट इज़ मोर वैलिड फॉर अ लिगामेंट. लिगामेंट है आपके घुटने में, उसमें बीच में वो फट गया बीच में से, अब उसको दोबारा जुड़ने के लिए, जुड़ तो जाएगा मसल, मतलब अपना बॉडी आपकी जोड़ देगी, बट जो बीच में जो दोबारा वो लेयर आएगी उसमें जुड़ने के लिए, उसको स्कार टिश्यू कहते हैं. Okay. तो वो स्कार टिश्यू जो होता है, इट इज़ नॉट एज इफेक्टिव एज द ओरिजिनल टिश्यू. अगर आप रिपीटेडली उसको दोबारा, स्कार टिश्यू बना, उससे हमने दोबारा फट गया, फिर दोबारा स्कार लग गया उसके ऊपर, इट विल नेवर बी एज इफेक्टिव. जैसे आप देखते हो ना कि कोई आपको चोट लग जाए तो वो थोड़ा सा काले धब्बा पड़ जाता है उसके ऊपर, स्कार पड़ जाता है उसका, पिम्पल विम्पल फट जाता है तो स्कार पड़ जाता है ना, उस टाइप का एक एग्जैजरेटेड एनालॉजी ले लो. तो वो कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना आपका ओरिजिनल लिगामेंट था. Okay. और वो भी एक टाइम के बाद फटते फटते फिर वो फट ही जाता है, फिर कभी भी उतना रिकवर नहीं कर पाता. तो वही है कि उस यंग एज में अगर आप इतनी बार उस चीज़ को टियर कर दे रहे हो, तो आपकी बाय द टाइम यू 20 to 23 ऑलरेडी आपके पास इतनी बार स्कार टिश्यू डेवलप हो चुका है कि आपकी शेल्फ लाइफ ऑलरेडी कम हो चुकी है. बाय द टाइम यू 30-31 आपके पास जो कैपेसिटी थी हीलिंग करने की उस पर्टिकुलर चोट की, वो उतनी रहेगी ही नहीं. इसीलिए आई थिंक ये एक पॉसिबल रीज़न है कि ये सारे प्लेयर्स जो कि इतना छोटी उम्र में इतना ज़्यादा खेल जाते हैं, वो आगे जाके लंबा नहीं खेल पाते. मेसी और रोनाल्डो का स्टार्ट निकला था, आज के टाइम के प्लेयर्स के हिसाब से गावी पेड्री ले लो, बहुत कम खेले हैं लोग 17 से 20 साल की उम्र में. Okay. जो ये सब आता है ना कि एम्बापे ने इतने गोल मार दिए, 300 गोल मार दिए 24 की उम्र में, और हालैंड ने इतने गोल मार दिए. मैचेस भी तो कितने खेले हैं वो भी तो, मिनट्स भी तो कितने खेले हैं वो भी तो देखो ना. मेसी रोनाल्डो का देवर वेरी फॉर्चुनेट कि वो एक ऐसे एरा में पैदा हुए कि इनिशियली जितना गेम टाइम मिला वो एप्ट था आपके डेवलपमेंट के लिए, पर ओवरडन नहीं था. राइट. एंड सो दे हैड अ वेरी लॉन्ग करियर विच वी कंटिन्यू टू सी. अभी भी आराम से 3-4 साल और खेल सकते हैं. 2-3 साल तो खेल ही सकते हैं. एम्बापे वगैरह, हालैंड वगैरह फॉर्चुनेटली इंजरी प्रोन तो नहीं लगते अभी, बट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर एंड दे कुड बी वन एक्सेप्शनल टैलेंट. राइट. 90 में से 2 प्लेयर कैसा होगा, 98 अदर प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं होगा. तो मुझे तो ये लगता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ होगी बार्सिलोना फैंस के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज़ पेड्री के साथ देख रहे हैं. पेड्री एंड गावी ये दो वैसे प्लेयर्स हैं जो कि प्रॉब्लम हम सोचते थे कि अगला पूरा डेकेड मैनेज करने वाले बार्सिलोना का. तो अगर ये दो प्लेयर्स हु कैन ऑल्सो बी प्रॉब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ दिस जनरेशन, मतलब वो टैलेंट है उनके पास, तो अगर वो लोग नहीं कर पाते अल्टीमेटली जाके उस पर कैपिटलाइज, तो इट विल बी अ वेरी सैड थिंग टू सी. ट्रू. जो कि हमने फाटे के साथ देखी है. तो ये जितने भी फुटबॉल क्लब्स हैं प्लस ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली, इन सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उस चीज़ में. एंड आई होप कि प्लेयर्स के बारे में कोई सोचे भाई, क्योंकि एट दिस पॉइंट इट डजेंट सीम लाइक कि कोई भी प्लेयर्स के बारे में सोच रहा है. मतलब जस्ट टू एंड दिस टॉपिक नाउ, डू यू हैव एनी प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू दिस? तुम्हें लगता था है कुछ ऐसा? आई थिंक इस टाइम पे जो बार्गेनिंग पावर है वो क्लब्स के पास है नहीं. मतलब वो डिक्टेट नहीं कर सकते फीफा, ना प्लेयर्स कर सकते हैं. आई थिंक द ओनली वे दे कैन, एंड इंटरनेशनल ड्यूटी भी आई थिंक मैं उतना ब्लेम करूंगा नहीं, क्योंकि स्केड्यूलिंग आप ब्लेम कर सकते हो, बट द फैक्ट इज कि कंट्री को भी टाइम चाहिए ही चाहिए प्लेयर्स. भाई 7-8 मैचेस भी नहीं खेलोगे क्या पूरे साल में? एग्जैक्टली. तो आई थिंक इस टाइम पे द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन इन माई ओपिनियन इज कि आप प्लेयर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो बेसिकली. एक तो आप ऑब्वियसली वो मेडिकल टीम अच्छी करो अपनी एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज बेटर करो, बट ऑल्सो आप नंबर ऑफ प्लेयर्स साइन करो जो कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बना सकें. लाइक एक कुछ ऐसा था कि एक प्लेयर को कुछ एक मैच खेलने के बाद अगले 60 या 75 आवर्स तक कोई और मैच नहीं खेलना चाहिए. 60-75 आवर्स? हाँ, कोई भी मैच में नहीं होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी लगातार हील कर पाती है. बेसिकली 3 दिन. हाँ, 3 दिन. तो उतना तो गैप मिल ही जाता है, मतलब मिलता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनिंग भी कर रहे हो. हाँ, ट्रेनिंग भी कर रहे हो, उसके बाद फिर तुरंत मैच भी खेलने जा रहे हो. तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि उतना प्रॉपरली रिकवर हो पा रहे, वरना अभी तक ऐसी चीज़ें नहीं हो रही होती. तो आई होप इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए. बट मूविंग ऑन, अगर हम लोग प्रीमियर लीग पे ही आए तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ करी गई है, विच इज़ कि एक तो ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है. बेसिकली जितने भी क्लब्स हैं उनमें वोटिंग हुई थी कि क्या आप अपनों अफिलिएट क्लब्स जो हैं आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू कासल के जो ओनर्स हैं वो ही सऊदी के 2-3 क्लब्स के ओनर्स हैं. अच्छा. जैसे अल नसर के हैं और एक दो और के, तभी रोनाल्डो की वो न्यूज़ आई थी कि न्यूकासल में जा सकता है वो। तो क्या जनवरी ट्रांसफर विंडो में इन क्लब्स को अलाउ होना चाहिए कि ये लोग अपने एफिलिएट क्लब से लोन प्लेयर साइन कर सकें? तो वो तो वैसे भी आप कर सकते हो, उसमें रूल की क्या जरूरत है? नहीं, ये होता है कि इसको बैन कर दो। लाइक मोस्ट प्रीमियर टीम्स ये चाहती है क्योंकि इनको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। बेसिकली उनके आपस में बनती है तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, कुछ अपने में रोटेट हो रहा है, पैसे भी नहीं देंगे। तो इस पे हो रहा था कि वोटिंग करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अल्टीमेटली। एंड 20 टीम्स होती है प्रीमियर लीग में से। द क्राइटेरिया जो डिसाइड हुआ तो ये था कि अगर 14 टीम्स ने कह दिया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो नहीं होगा। ये पॉइंट इसकी सिर्फ 13 टीम्स ने कराई है। 13 टीम, एक टीम रह गई, एक टीम रह गई। अच्छा, अब इस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आइडियली तो 11 टीम्स होनी चाहिए थी, क्योंकि 20 टीम्स है तो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर आपको बैन कर देना चाहिए। अब क्यों नहीं किया गया ये आई डोंट नो द रीजन। थोड़ा फिशी नहीं लग रहा कि मुझे लग रहा है 14 और सिर्फ 13 लोगों ने करा है। क्या ये पहले से पता था प्रीमियर लीग के ओनर्स को कि ऐसा कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चाहते नहीं थे एक्चुअली में कि ऐसा हो, अल्टीमेटली बैन पड़ जाए, इसलिए इन्होंने कह दिया 14 करते हैं क्योंकि स्टार्स वापस आ जाएंगे अपनी लीग में, तो बेटर ही है ना। अभी वो पॉइंट था ना, सबसे मेजर जो टॉकिंग पॉइंट हो रहा था ये हो रहा था कि रूबेन नेवेस अल हिलाल में था तो वो न्यूकासल आ सकता है। अभी अभी अल हिलाल में गया, ही इज अ क्वालिटी प्लेयर, यंग भी है, 26-27 का, उसे न्यूकासल ले लेगी और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अरे who would not like the prospect of Ronaldo and Mane coming back to some Premier League club? Right. Premier League का कितना मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। Exactly. तो at this point वैसे आइडियली देखा जाए तो आई गेट कि क्यों लोग वो रो रहे हैं कि वो 11 वाला होने वाला है। एंड आई थिंक ये जो भी चाहे इन लोगों ने फॉर्मेलिटी के लिए करा हो, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ का, आई थिंक वो यही है कि ऑयल क्लब से आप थोड़ा पावर छीनो वापस, ताकि बाकी क्लब्स के साथ थोड़ा मेंटेन रहे। क्योंकि एट दिस पॉइंट देखने में तो ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता जाता है, न्यूकासल लास्ट सीजन 4th फिनिश करी थी, इट मींस दैट दे आर इंप्रूविंग। अगर वो अभी भी 4th फिनिश नहीं करते, टॉप 4 में नहीं आते, स्टिल इट मींस दे आर इंप्रूविंग, क्योंकि लास्ट सीजन में तो लास्ट आ रहे थे। तो न्यूकासल हम लोग देख रहे ग्रो कर रही है। कतारी ओनरशिप और कोई क्लब में इन्वेस्ट करने ही वाली है पक्का, यूनाइटेड में नहीं कर पाई और किसी क्लब में करेगी। एंड हमने देखा है कि अपना सिटी के जो ओनर्स हैं उनने प्रॉपरली एक फार्मर्स लीग बना रखी है। तो एक ये सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ये एक ट्राई करा गया था कि इनसे पावर छीन के हम लोग बाकी क्लब्स में भी डिवाइड करें वो चीज़, ताकि इक्वल कंपटीशन हो। बट ऑब्वियसली अल्टीमेटली नहीं हो पाता, विच मीन्स कि न्यूकासल जो है वो अपने प्लेयर साइन कर सकती है सऊदी में से बिना कुछ ज़्यादा पैसे दिए हुए। अब ये सोच के ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ होनी भी चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि फुटबॉल इन जनरल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई थिंक अभी तुम कर भी लोगे तो इन द ईयर्स टू कम इट इज इनएविटेबल कि ये चीज़ वापस चेंज होगी। देखो, इन प्रिंसिपल आइडियली प्रीमियर लीग इज नोबडी टू टेल द एग्जैक्टली सऊदी अरेबियन क्लब्स की आप ना करो, क्योंकि अगर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करें तो उनका पूरा हक बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 2 बिजनेसेस हैं, तो मेरा इट इज विद इन माई राइट्स, मैंने अपने पैसों से बनाए हैं वो 2 बिजनेस। और मैंने अपने पैसों से उस दोनों बिजनेस के एसेट्स खरीदे हैं, तो मुझे एक एसेट यहाँ से उठा के वहाँ पे बेचना है तो मेरे हक में है भाई। मेरे खुद के पैसा का है, मैंने किसी और को थोड़ा करा है, तो मेरे पैसों से तो मेरी मर्जी, मेरा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। तो आप आइडियली देखो तो यही तो चीज़ हो रही है। अगर अल नसर के ओनर्स कहते हैं, जो कि न्यूकासल के भी ओनर्स हैं, कि हमें रोनाल्डो को यहाँ से उठा के न्यूकासल में डालना है। अब भाई हमने अपने पैसे मेहनत से कमाए हैं, हमने अपने पैसों से रोनाल्डो से खरीदा है, यूएफए या फिर प्रीमियर लीग से लोन थोड़ी लिया है, लोन लेके थोड़ी रोनाल्डो को खरीदा है। तो आप कौन हो तो हमें बताने वाले कि कौन किसको करना है? तो अगर मैं बहुत आइडियली बताऊं तो प्रीमियर लीग डज नॉट हैव एनी एथिकल राइट टू इम्प्लीमेंट दिस। एग्जैक्टली, हाँ। बट ये डिबेट इतनी सिंपल नहीं है। द अदर पर्सपेक्टिव इज कि अगर ये नहीं करा तो मोस्ट डेफिनेटली मतलब फुटबॉल विल बी अ मनी पावर गेम। वो स्पोर्ट बचाने का वो सीन है। हाँ, तो अब डिलेमा यहाँ पे ये है कि भाई आइडियली तो आप जो ये क्लब्स हैं इनको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने मेहनत से वो चीज़ें कर रहे हैं और उनके खुद के रिसोर्सेज ही कर रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। राइट। दूसरे एंड पे एक ग्रैंडर पिक्चर है कि आपको स्पोर्ट में पैसों का इन्फ्लुएंस बढ़ाना है या फिर स्पोर्ट की इंटेग्रिटी बचानी है। तो ये एक बहुत ही आई थिंक मॉरली टफ डिबेट है ये करना। एंड मतलब मैं दोनों साइड्स को आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज एज अ क्लब ओनर अगर मेरे साथ कोई ऐसा करेगा तो मैं तो रिवोल्ट ही करूंगा। मैंने अपने मेहनत से क्लब खड़ा करा है, तो तुम कौन होते हो बताने वाले? बट अगर मैं प्रीमियर लीग का ओनर हूँ तो मैं तब ये बात भी समझता हूँ कि इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर द अदर क्लब्स, बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो नैरेटिव वही बन जाएगा और रियलिटी भी यही हो जाएगी कि जिसके पास पैसे हैं वही जीतेगा, हाँ राइट, विच इज़ अनफेयर. मतलब फुटबॉल टिपिकली, वाई आई से दैट बिकॉज फुटबॉल इज नोन टू बी दैट स्पोर्ट जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है. इट इज़ एवरी वन स्पोर्ट. मतलब एक कॉमन मैन जो होता है, जो कि सड़क पर बच्चे हैं वो भी खेलते हैं. जैसे मैं क्रिकेट के लिए कहूँगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला है, क्रिकेट में स्टिल यू नीड इन्वेस्टमेंट. गोल्फ के लिए लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, राइट. तो ऐसे स्पोर्ट्स में आपको गियर खरीदने पड़ते हैं इतने सारे, जैसे क्रिकेट में पैड खरीदो, हेलमेट खरीदो, थाई पैड खरीदो, 10 तरीके के प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं. बैट बहुत महंगे होते हैं, विकेट्स चाहिए, बॉल चाहिए, बहुत तामझाम चाहिए, पिच को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं. फुटबॉल में क्या, बस एक फुटबॉल और खेलना शुरू कर दो, 300-400 रुपए की फुटबॉल आती है, बस लो और 11 लोग खेल लो, राइट. तो इट इज अ स्पोर्ट दैट बाइंड्स पीपल फ्रॉम ऑल इकोनॉमी क्लासेस टुगेदर, और उसका पर्पस ही है. एंड आई थिंक बहुत हद तक फेमस भी इसीलिए इतना ज़्यादा है. ऑफकोर्स वो टाइम वाला चीज़ भी आता है कि 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता है. मॉडर्न एज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम लिमिट, बट एक फैक्टर ये भी मुझे लगता है, एंट्री टू वो बैरियर टू एंट्री बिल्कुल ही नहीं है. एंट्री लेवल बहुत लो है, यहाँ पे कोई भी खेल सकता है. तो आपके जो रूट्स हैं आप उन्हीं को मात दे दोगे अगर आप कह रहे हो कि जिसके पास पैसा है वो इन्फ्लुएंस करेगा और वही जीतेगा. तो ये एक बहुत ही, मतलब आपके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है फुटबॉल की एक तरीके से. एंड सो आई गेट वाई प्रीमियर लीग वुड डू दिस, बट मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता नहीं कि प्रीमियर लीग के इंटेंशन सही है. हाँ, सेम, मुझे भी नहीं लगता. ये 14 टीम्स वाला तो क्या क्राइटेरिया में समझ में नहीं आया. एंड आई एम प्रिटी श्योर द काइंड ऑफ न्यू कि नहीं होगा ना अल्टीमेटली. हाँ, कि कितने टीम्स हाँ बोलेंगे तो उससे एक टीम बढ़ा के हम क्राइटेरिया रख देते हैं. मतलब आई वुड बी सरप्राइज अगर ये कॉन्स्पिरेसी निकल के आती है. तो मतलब आई गेट बोथ दी आर्गुमेंट्स, बट आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द स्पोर्ट द सेकेंड वन इज मोर इम्पॉर्टेंट. ऑल दो जो पहली आर्गुमेंट है जो कि क्लब्स के फेवर में आती है, क्लब ओनर्स के फेवर में, वो बिल्कुल लीगली सही है. exactly. उसको आप कल को कोई इस बात को वॉइस करता है, इस बात के अगेंस्ट अपना ओपिनियन रेस करता है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने अपने पैसों से करा है, तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसको आप गलत नहीं बोल सकते. आप ये कह सकते हो कि भाई तू एकदम सही बोल रहा है यार, लेकिन क्या करें, स्पोर्ट को बचाना है ना, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, राइट. मेरा स्टांस तो ये, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मेरे हिसाब से भी यही होगा कि लाइक इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ इनएविटेबल है. अगर हम लोग अभी ट्राई कर भी रहे हैं लोग, जो कि अल्टीमेटली फेल हो गई है, तो इधर वे कुछ नहीं होता. बट अगर ये हो भी जाता तो इट वोंट लास्ट फॉर लॉन्ग, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसी आ रही हैं. एक तो पॉइंट ये है कि अब PIF इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से लोग लेके वो करने लगे, इन्वेस्ट करने लग गए. अच्छा, लाइक अगर हम लोग सऊदी की बात करें तो सऊदी की ये जो न्यूकासल के ओनर्स हैं साउथ, और ये 2-3 क्लब्स के ओनर्स जो है, अल नसर, अल हिलाल और अल इतिहाद ऐसे टाइप के, तो ये कोई एक सिंगुलर एंटिटी ओन नहीं करती इसे, वो PIF ओन करता है, सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड. नहीं, गवर्नमेंट का भी कुछ आता है ना इसमें. हाँ, मतलब वही पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो उन करती है इसको, वो पैसा दे रहे हैं. तो जब एक पूरी कंट्री की गवर्नमेंट ही आ गई है तो इट इज़ बाउंड टू हैपन कि ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी विल बी इन्वेस्टमेंट, जो कि किसी भी एक सिंगल बिजनेसमैन के लिए अफोर्डेबल होगा ही नहीं. इधर वे आप लोग कुछ ना कुछ करके वो आपको सक्सीड कर ही लेंगे. तो या तो ये चीज़ अलाउड ही नहीं होनी चाहिए, जो कि आई थिंक वो नहीं हो सकता, ये होगा ही होगा अलाउ, इसमें कुछ करा नहीं जा सकता. और अगर अलाउ कर ही रहे तो देन अगेन आप यू डोंट हैव द राइट टू कॉल आउट देम ऑन दिस बेसिस. आई थिंक इसका कॉमन ग्राउंड रीच करने का तरीका ये है, विच विल ऑल्सो बी वेरी अनफेयर टू द ओनर्स, बट दोनों आर्ग्यूमेंट्स को अगर थोड़ा सा वैलिड रखना है तो आई थिंक ये मिडिल ग्राउंड ये होगा कि आप कह दो कि हाँ कर सकते हो, आप ट्रांसफर्स बिल्कुल कर सकते हो, बट जो मार्केट वैल्यू उसके बेसिस पे करना पड़ेगा, लोन फ्री में नहीं कर सकते. तो बैन मत करो लोन करना बिल्कुल भी, वो भी गलती है, बट मार्केट वैल्यू जो आपको पे करके ही करना पड़ेगा, राइट. तो अब बात वही है कि भाई मैंने अपनी B कंपनी से पैसे देके अपनी A कंपनी को दे दिया, तो पैसे तो मेरे पास ही है ना, किसी और के पास थोड़ी जा रहे हैं. तो अभी जो लोन मार्केट वैल्यू पे आप लोगे उसका या तो एक परसेंटेज फी आप लीग को दो, कि प्रीमियर लीग ने कहा अच्छा मान ले 20 मिलियन का लोन आ रहा है रोनाल्डो का, तो उसमें से 10 मिलियन प्रीमियर लीग को जाएंगे, और बचे 10 मिलियन तो अपने बिजनेस पर रख लो. जो 10 मिलियन हमें दिए वो एज एन एक्सपेंस काट देना अकाउंट्स में से, ऐसा कुछ अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा या तो, क्योंकि आई थिंक वही एक पॉसिबल कॉमन ग्राउंड है. वरना आप एथिकली तो और लीगली भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्लब्स को. क्यों नहीं कर सकते भाई, ट्रांसफर हो बिल्कुल कर सकते हैं, बट फिर फुटबॉल का क्या होगा? आई थिंक यही एक कॉमन ग्राउंड है. डू यू एग्री विद दिस? हाँ, राइट, मुझे भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड रीच करना पड़ेगा. एंड एज फार एज प्रीमियर लीग इज कंसर्न, तो मुझे तो ऐसा लगता है फीफा प्रीमियर लीग जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कोई भी दूध की धुली नहीं है, ये ने करा है तो आई जेन्युइनली फील कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करा है अल्टीमेटली, इधर भी इनका कोई इंटेंशन था नहीं। बट मूविंग ऑन, एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ आई है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, फाइनली रोनाल्डो एंड मेसी वन लास्ट डांस। ऑल्दो सबसे पहली बात ये है, ये वन लास्ट डांस है नहीं, ठीक है, हाँ। ये होने वाला है हर साल जब तक ये लोग खेलने वाले, हाँ। तो ये जो हम लोग हर साल सोचते हैं कि भाई नहीं ये लास्ट बार खेलने वाले, पिछली बार तो पूरा रोनाल्डो ने भी स्टोरी डाल दी थी, मेसी ने भी रिपोस्ट कर दिया था, राइट कि भाई दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं जो भी कर रहे हैं। रोनाल्डो ने वो डाला था ना पोस्ट मेट सम ओल्ड फ्रेंड्स, और उसमें मेसी का भी डाली हुई थी, तो लग तो रहा था बहुत ही फाइनलिटी वाला सीन कि अच्छा ये लास्ट टाइम था, और रोनाल्डो ने 2 गोल मार दिए तो रोनाल्डो गोट राइट। बट इट वाज, मतलब आई वाज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि अभी अगले साल भी होगा, मुझे भी लग रहा था। एंड इट इज, पहले तो क्या है ये बता दो फिर आगे लेट्स डिस्कस दैट। सो बेसिकली जो रियाद का हुआ था लास्ट सीजन जिसमें पीएसजी को इनवाइट किया गया था, इट वाज अ वन ऑफ मैच, जो कि वो मैच जो भी वो मैच जीत जाता वो जीत जाता अल्टीमेटली ट्रॉफी। और जो रियाद 11 थी वो क्या थी, वो रियाद 11 वाज बेसिकली अ कल्मिनेशन ऑफ अल नसर प्लेयर्स एंड अल हिलाल प्लेयर्स। इस टाइम में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसजी ऑब्वियसली इज नॉट इनवाइटेड, इंटर मियामी को इनवाइट किया गया है। जो सोच रहे हैं कि इंटर मियामी को ही क्यों किया गया है, ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो, और कोई रीज़न नहीं है इसका, सिर्फ वही रीज़न। हाँ, सो इंटर मियामी को इन्वाइट किया गया है, एंड दिस टाइम ये रियाद 11 नहीं खेलने वाली है, अल नसर और अल हिलाल खेलने वाली है। तो 3 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, हर टीम का मैच आपस में एक एक बार होगा, एंड अल्टीमेटली जब सबके मैचेस ओवर हो जाएंगे तो जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, वही सिस्टम होगा कि जो जीता उसको 3 पॉइंट मिल गए, जो हारा उसको एक भी नहीं मिला, और जो ड्रॉ हो गया 1-1 मिल गया। जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो रियाद कप जीत जाएगा। फर्स्टली व्हाई डू थिंक इस बार अल नसर और अल हिलाल को अलग अलग रखा हुआ है? आई थिंक स्टार ज़्यादा है भाई, पिछली बार उतनी स्टार पावर थी नहीं, अब टीम्स अच्छी हो गई हैं तो अब ज़रूरत नहीं है मर्ज करने की, राइट। एक और पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि अगर कोई यूरोपियन टीम होती तगड़ी सिटी विटी टाइप की तो शायद वह कंबाइन कर देते, बट इन टर्म हमें बहुत ही घटिया टीम है भाई। और क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता है मेसी के चक्कर में बुला तो लिया है बट टॉर्चर होगा भाई इंटर मियामी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट, बिल्कुल भी लेवल नहीं है भाई मियामी का आसपास, वो अपनी लीग में इतना स्ट्रगल करते हैं, राइट। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगा कि ये फॉर्मेट में भाई एक फाइनल मैच भी रखी देते, जो टॉप 2 टीम्स उनके बीच का फाइनल रख लो, क्या पता दोबारा हो जाता। क्या जरूरत थी कि एकदम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में जो एंड में टॉप पे वो जीतेगा। आईसीसी वाला काम करो भाई, इंडिया पाकिस्तान के लिए नॉकआउट करा देते और मियामी को किसी तरीके से टॉप 2 में पहुंचा देते, अल हिलाल को बाहर निकाल देते तो और मजा आता, 2 बार मैच देखने को मिल जाता। ऑल्दो द सैड थिंग इज कि अल्टीमेटली नेमार विल ऑब्वियसली मिस दिस मैच, कोई भी चांस नहीं है नेमार का खेलने का, बहुत मुश्किल है कि वो कोपा अमेरिका तक रिकवर कर जाए। सो फरवरी में जो होने वाला है ये मैच रियाद कप, ये तो ऑब्वियसली वो मिस करने वाला है, तो आई थिंक वो थोड़ी सैड चीज़ होगी। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि सुआरेज मोस्ट प्रॉब्ली तब तक आ जाएगा, वो चीज़ देखने वाली होगी क्योंकि मेसी सुआरेज साथ होंगे, बुस्केट्स अल्बा भी होंगे, तो एक सॉर्ट ऑफ बार्सिलोना मिनी टीम बन जाएगी, क्योंकि फरवरी में हो रहा है अगले साल ये, तो आई थिंक जनवरी तक प्री सीजन स्टार्ट हो रहा होगा ना, तब तक सुआरेज आ चुका होगा। तो मतलब ओवरऑल ऑब्वियसली मियामी की टीम उतनी अच्छी नहीं होगी, बट चलो इससे बेटर तो हो जाएगी जो अभी है इस टाइम, राइट। और इसको मतलब मैच को ऑफिशियली इन लोगों ने द लास्ट डांस का नाम भी दे दिया है, तो इंटेंशनल मार्केटिंग है, जानबूझ के बोल रहे हैं, अगले साल फिर होगा। क्या पता पोर्चुगल और अर्जेंटीना का फ्रेंडली हो जाए, फॉर ऑल वी नो, एंड दैट वुड बी अ मच बेटर फ्रेंडली बिकॉज दोनों टीम से बहुत तगड़ी है। तो हाँ, मतलब आई एम ओपन टू द पॉसिबिलिटी कि शायद एक और बार ये लोग मिलेंगे इसके बाद। ऑल द क्वेश्चन वही है कि बिकॉज वी नो अगले साल भी खेलेंगे ये लोग, आई थिंक अगले साल मतलब 2024 में तो हो ही गया एक बार, तो आई थिंक शायद यही दोबारा करा देंगे ये लोग, रियाद कप भी दोबारा करा। हाँ, मुझे भी लगता है बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ श्योर शॉट सक्सेस, हर कोई देखेगा मेसी, हाँ। पक्का है वो, बच्चन साहब आएंगे दोबारा, तो सक्सेस तो होने ही वाला है, गारंटीड है, तो व्हाई नॉट हैव इट वन मोर टाइम। सो आई डोंट थिंक लास्ट डांस है ये, शायद इनके करियर में अभी 2 और मैचेस बचे हैं, एक ये हो जाएगा, शायद एक और होगा, बट इफ इट इज द लास्ट वी विल ऑब्वियसली बी देयर टू एंजॉय इट, राइट। एनी अदर थिंग्स दैट यू वांट टू मेंशन ऑन दिस? नहीं, आई थिंक इतना ही है। आई होप कि ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार होगी अल्टीमेटली जाके, एंड आई थिंक जो 3 टीम्स वाली चीज़ डाली है ये इंटरेस्टिंग भी होगा, काफ़ी देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि थिंक थोड़ा वर्कलोड जबरदस्ती बढ़ा तो दिया ही है, बट वही काम है भाई आजकल, और क्या करना है। वैसे भी इंटर मियामी वो तो प्री सीजन टूर है उसका, तो उसको तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं ज़्यादा, इसका देखना होगा कि ये कैसे मैनेज करते हैं लोग अपना अल नसर अल हिलाल, क्योंकि उस टाइम पे सीजन चल ही रहा होगा इनका। इनफैक्ट एएफसी चैंपियंस लीग के वो राउंड ऑफ 16 वाले स्टेजेस आ चुके होंगे फरवरी में, तो इनको देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करते हैं। बट ऑब्वियसली रियाद का पॉइंट यही है कि दोनों प्लेयर्स को खेलना ही खेलना पड़ेगा। आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा ही होगा, मेसी रोनाल्डो, हां, कि खेलना ही खेलना, बस सब ऑफ कर देंगे फिर कुछ टाइम बाद, हो सकता है बट आई थिंक वही बात है कि दोनों इंटरेस्टेड होंगे खेलने में। यार सब ऑफ ना कर, पिछले बार सब ऑफ कर दिया था। हां भाई वो 50-60 मिनट के लिए नहीं देखना भाई, पूरा मैच देखना। हां देखना तो पूरा देखना। ऑल्दो आई थिंक कि मियामी की जो हालत है, पीएसजी थी उस टाइम पे, तो मियामी की जो हालत है, कैन दे इवन अफोर्ड, खेलना पड़ेगा, कैन दे इवन अफोर्ड टू सब्स्टिट्यूट मेसी, वरना मेसी के सब होते पता चलते 5-6 गोल पड़ गए उनके। एक तो मेसी सब हुआ तो मतलब सुआरेस भी ब्लैंक है अब, हाँ। वो भी कुछ नहीं करेगा, तो फिर वही पॉइंट है कि क्या ही कैसे ही खेलेंगे वो लोग अल्टीमेटली। ट्रू, बट रोनाल्डो के लिए अच्छा चांस है भाई 2-3 गोल मारने का। द गोट डिबेट सेंटर मियामी सेटल, पिछले बार स्पीड ने भी किया था ना, द डिबेट इज ओवर। अच्छा हां 2 गोल मार दी मेसी ने, एक ही मारा इसलिए तो भाई। लेकिन मजा तो बहुत आएगा, काफी हाइप होगी उसके भी। आई थिंक टेलीकास्ट वगैरह तो कराएंगे पक्का होगा, पिछली बार तो यूट्यूब पे ही फ्री में दिखा दिया था सबको। हाँ तो भाई टेलीकास्ट भी होगा, होपफुली संडे वनडे को पड़ेगा तो लाइव स्ट्रीम भी करेंगे उसकी, राइट। बट ठीक है यार, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट। यहाँ पे हमें 2 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं जो कि थोड़े से एग्जिस्टेंशियल होने वाले हैं फॉर ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस, स्पेशली आफ्टर द लॉस ऑफ द वर्ल्ड कप फाइनल। आई थिंक पहले हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए विद द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। एक्चुअली ना ये दोनों टॉपिक, फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट और जो अभी स्क्वाड आई है ऑस्ट्रेलिया T20 वाली, दोनों बहुत रिलेटेड हैं। तो ऐसे एग्जैक्टली सेग्रीगेट करना बहुत ईजी नहीं होने वाला है, बट लेट्स ट्राई टू फर्स्ट डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, राइट। पहली बात तो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि राहुल द्रविड़ की जो कोचिंग टेन्योर है वो खत्म हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल तक लास्ट था उसका, मतलब एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी हम कवर करेंगे। फर्स्टली आई वुड आस्क यू कि क्योंकि अब एक साइकिल खत्म हो गई है ओडीआई वर्ल्ड कप की, अब 4 साल बाद होगा। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वुड यू लाइक टू सी इन इंडियन क्रिकेट? क्या हमें हर फॉर्मेट की अभी से 3 अलग अलग टीम बनानी शुरू कर देनी चाहिए, अलग अलग कोचेस रखने शुरू कर देने चाहिए? जिनको नहीं पता, हमने इस टॉपिक के ऊपर कि हर फॉर्मेट का एक अलग कैप्टन हो, अलग टीम हो और हर फॉर्मेट का एक अलग कोच हो, इन पे 2 वीडियोस बनाई थी हमने। एक सीरीज बनाई थी स्प्लिट डिलेमा करके, मैं उसको लिंक कर दूंगा, अभी आपको कार्ड्स ऊपर दिख जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम मेंशन कर देंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जब ये वाला सेगमेंट सुन लें पॉडकास्ट का, इस सेगमेंट को और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप वो दोनों वीडियोज़ भी देखिएगा। बिल्कुल ऐसी 10-12 मिनट की होंगी, बट हाँ बिकॉज यू नो वॉट वी आर स्पीकिंग ऑफ, तुमने भी उन वीडियोज़ को शूट करा था एंड यू नो वॉट द कॉन्टेंट इज। वॉट इन वॉट डायरेक्शन वुड यू लाइक टू सी इंडियन क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक जो वो स्प्लिट कैप्टेंसी का, तो आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। आई थिंक कुछ हद तक हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी, कैप्टेंसी वाला पार्ट भी वैसे, बट वो जो स्प्लिट टीम्स थी, बेसिकली अलग अलग टीम्स फॉर एवरी फॉर्मेट, T20 की अलग टीम, ODI की अलग टीम, टेस्ट की अलग टीम। आई थिंक अब तो हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कायदे से, बट प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे ही होंगे, कुछ स्टार प्लेयर्स जो कि ऑल फॉर्मेट खेलेंगे। बट दैट कुड आल्सो बी द केस कि शायद लास्ट जनरेशन है उस चीज़ की। अब जो प्लेयर्स आएंगे उनको हम वैसे ग्रूम ही ना करें, जैसे आई थिंक ये शुभमन गिल वाला पार्ट है। आई जनरली थिंक ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर होने वाला है, वही है। नई जनरेशन में से और कौन है? मे बी जायसवाल, T20 एंड अपना टेस्ट तो स्टार्ट करा ही चुके हैं उसे। आई थिंक ODIs भी आई थिंक, बट देन डोंट यू थिंक हम लोग फिर से उसी गलती पे करने जा रहे हैं? वो है, बट मुझे वही लगता है कि क्या इस टाइम पे BCCI ये डिसीजन लेगा? आई थिंक कोचिंग का लेना तो इस टाइम पे बनता है, क्योंकि एक तो जो लोग कोचिंग पे सवाल उठा रहे हैं राहुल द्रविड़ की ODI वर्ल्ड कप में भी, आई थिंक वो तो भाई तुम क्या चाहते हो, मतलब और क्या करके दे वो, इतना ज़्यादा हेल्प करी उनने इस टीम की। एंड एज यू सेड कि अश्विन ने भी चीज़ कही थी कि जितने डिटेल्ड में वो प्रोवाइड करते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स या जो भी गेम प्लान प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हर मैच के पहले जो प्रिपरेशन होती है, पिच की एनालिसिस, कंडीशंस की एनालिसिस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना, क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अश्विन ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद कहा था कि राहुल द्रविड़ को बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, बट जिस टाइप की एनालिसिस राहुल द्रविड़ उसकी टीम करके देती है ना हम लोग को, जितना ग्राउंड बैकग्राउंड वर्क करता है वो शायद ही कोई इतना इनडेप्थ एनालिसिस करके देता होगा मैच की प्रिपरेशन के लिए। एंड वो चीज़ हमें क्लियरली दिखी थी इस वर्ल्ड कप में। हम 10 मैच तक बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके जीत रहे थे। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि हम इतना ज़्यादा डोमिनेट कैसे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट प्लेयर्स को पता भी था कि क्या होने वाला है अनटिल द फाइनल, राइट। उसमें थोड़ा गलत हो गए। तो राहुल द्रविड़ का काम एज अ कोच आई थिंक बहुत ही कमेंडेबल रहा, और इस वर्ल्ड कप में हाँ हम लोग फाइनल हारे हैं, बट जो उससे पहले के सारे मैचेस थे, ये मजाक नहीं है अब जिस तरीके से जीत रहे थे। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने बड़े मार्जिन से कोई टीम जीतते आ रही है। राइट, तो आई थिंक राहुल द्रविड़ ने एज अ कोच, आई डोंट थिंक ही हैज टू प्रूव एनीथिंग। जो भी क्वेश्चन मार्क्स थे इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद, आई थिंक ही डिजर्व्स टू कंटिन्यू। बट यहाँ पे हाँ मतलब कैरी ऑन, बिकॉज आई थिंक एक दो क्वेश्चंस फिर भी रहेंगे। आई थिंक मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन वो होगा कि क्या वो ये सेम चीज़ T20 फॉर्मेट में रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो हमारा T20 वर्ल्ड कप 2022 का बहुत अच्छा नहीं रहा था। आई थिंक वहाँ पे कुछ कंसर्न्स दिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है। एंड आई डोंट रिमेंबर ये किसने बोला था, बट जिस प्लेयर ने खुद T20 फॉर्मेट खेला ना हो, आई थिंक उसको कोच नहीं करनी चाहिए वो फॉर्मेट। क्योंकि हम कितना भी कह लें, जिसने वो चीज़ खुद एक्सपीरियंस करी होती है उसे ज़्यादा पता ही होता है। तो आई वुड लाइक टू सी कि हम लोग अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग कोचेज रखें। मे बी वैसे तो ये बहुत अजीब होगा, बट टेस्ट एंड ओडीआई में सेम रख सकते हैं हम लोग, एंड T20 में हमने उसमें डिस्कस किया था वीडियो। हाँ राइट, कि वो तीन टाइप के स्प्लिट होते हैं बेसिकली, या तो आप रेड बॉल वाइट बॉल रख लो, या फिर आप ओडीआई और टेस्ट का अलग कर लो, T20 का कर लो, और या फिर टेस्ट का अलग कर लो और T20 ओडीआई कर लो। आई थिंक राहुल द्रविड़ की जो हमने कोचिंग देखी है वो टेस्ट और ओडीआई में तो काम करेगी डेफिनेटली। आई एम नॉट श्योर T20 में करेगी, एंड T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो आई थिंक इस टाइम पे और चेंज करना है तो हमें तुरंत ही करना पड़ेगा, क्योंकि हार्डली एनी टाइम लेफ्ट, जो 6-7 महीने बचे अब T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उतना टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा। एंड वो टीम्स वाला पार्ट जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि अ लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। एट दिस पॉइंट आई थिंक विराट कोहली का तो नो ब्रेनर लग रहा है कि वो खेलेगा ही खेलेगा, बट सोशल मीडिया पे इन जनरल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं इस टाइम पे कि क्या विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले हैं। भाई वेरी ऑनेस्टली आई थिंक खेलने वाले हैं, स्पेशली आई थिंक विराट कोहली पे तो उतने क्वेश्चन नहीं थे, बट जो रोहित शर्मा के थे वो उसने ओडिया वर्ल्ड कप में दिखा दिया। अगर वो लिटरली ये सेम अप्रोच भी अप्लाई करता है T20 फॉर्मेट में तो बहुत इजीली खेल लेगा, क्योंकि इधर बस और खेलने की जरूरत भी नहीं है, खेलने की जरूरत नहीं है। प्लस इधर में स्ट्राइक रेट तो 120 के ऊपर थी, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। एंड वो तगड़ा चीज़ होगा कि अगर उसने आती मारना स्टार्ट कर दी तो ऑब्वियसली बॉलर्स बहुत घबरा जाएंगे। तो आई थिंक ये रोहित शर्मा विराट कोहली खेलने वाले हैं। तो क्या BCCI वो एक्चुअली में वो डिसीजन लेगी कि हम लोग सर्टन प्लेयर्स को शायद और फॉर्मेट्स रखें, बट कुछ अलग बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी अलग अलग टीम बनेगी। वही पॉइंट है कि क्या हम लोग प्रॉपरली उस अप्रोच में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम लोग हाफ हार्टेडली उस अप्रोच में जाएंगे तो आई एम नॉट श्योर वो काम करेगी या नहीं करेगी, एंड कैसे वर्कलोड मैनेज होने वाला है। क्योंकि शुभमन गिल का हम लोग कह रहे हैं इस टाइम पे, इवन अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले जो जो सीरीज़ हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया की है, साउथ अफ्रीका से, उसके बाद फिर आई थिंक 1-2 सीरीज़ और है, और फिर जस्ट शायद कुछ दिन पहले जो है T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने कुछ दिन पहले IPL खत्म होगा। तो अ लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन कि IPL कैसा जाता है प्लेयर्स का। वो उसके भी मैं बहुत खिलाफ हूँ अल्टीमेटली, कि आपने क्यों ही रख दिया भाई फिर IPL, कुछ और कंट्रीज से मैचेस करा देते, IPL रखने की क्या जरूरत। बट IPL मिस नहीं कर सकते ना, वो तो अब इट्स अ मैंडेटरी। वही पॉइंट है कि IPL रखेंगे उस टाइम, उस डायरेक्शन में जाएगा क्रिकेट। तो मुझे लगता है कैप्टेंसी में हम लोग चेंजेस देख सकते हैं, बट हम लोग टीम की बात करें तो आई स्टिल डोंट थिंक कि ये जो स्प्लिट टीम्स वाली होने वाली है, स्प्लिट जो भी स्क्वाड्स होती हैं आई डोंट थिंक वो हमें देखने को मिलने वाली है इस टाइम पे। क्यों नहीं, बट मुझे लगता है वो एक तो ये शुभमन गिल वाला जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि लाइक विराट कोहली रोहित शर्मा वाला पॉइंट तक तो मुझे लगता था कि ये लास्ट जनरेशन होगी, बट जिस तरीके से शुभमन गिल को ग्रूम करा जा रहा है ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि उसे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करा जा रहा है कि वो एक ही फॉर्मेट खेलेगा। आई थिंक वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाने वाले हैं उसे अल्टीमेटली। मे बी बहुत ही कम प्लेयर्स ऐसे रहें जो कि ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हों इस टाइम पर अब, बट रहेंगी कुछ ना। आई थिंक 2-3 प्लेयर तो टीम में होंगे ऐसे जो कि हर फॉर्मेट खेलेंगे। मे बी शुभमन गिल होगा, जायसवाल होगा, एंड 2-3 प्लेयर्स और मे बी। मतलब देखो अब यहाँ पे ना ये बहुत ही ज़्यादा मेसी कॉन्वर्जेशन है, मतलब कि कहाँ से शुरू करे कहाँ ख़त्म करे बहुत मुश्किल है डिसाइड करना, क्योंकि इतने सारे फॉर्मेट है, इतने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। तो मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में इसको मैं कैरी आउट कर पाऊँ कॉन्वर्जेशन को। स्टार्ट में इस चीज़ से करूँगा। मैं अभी स्केड्यूल देख रहा था ICC का, 2031 तक का स्केड्यूल देखा मैंने। हर साल एटलीस्ट एक ICC टूर्नामेंट है। मतलब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, एटलीस्ट एक, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर साल एक टूर्नामेंट है, एटलीस्ट एक। WTC होगा उस दिन दो हो जाएंगे उस साल। तो फॉर एग्जाम्पल डिस्कस भी कर लेते हैं, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2025 में WTC फाइनल भी होगा और चैंपियंस ट्रॉफी भी होगा, फिर 26 में दोबारा T20 वर्ल्ड कप है, फिर 27 में ODI वर्ल्ड कप आ जाएगा, 28 में दोबारा T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा एंड 27 में बाय द वे WTC दोबारा होगी। फिर 29 में जो है चैंपियंस ट्रॉफी दोबारा आ जाएगा एंड फिर 30 में T20 वर्ल्ड कप दोबारा आ जाएगा, 31 में ODI वर्ल्ड कप आ जाएगा और शायद WTC भी बीच में 29 से 30 में से किसी एक साल होता है और फिर 31 में दोबारा ODI वर्ल्ड कप। मतलब ये कम से कम 10, 11, 12 टूर्नामेंट्स होने वाले अगले 8 साल में ICC के। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक ही टीम तीनों फॉर्मेट खेल सकती है? क्योंकि अभी हमने देखा था कि इस साल जब ODI वर्ल्ड कप होना था तो कितने लोगों ने T20 खेलना छोड़ दिया था, एंड राइटफुली सो, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ODI वर्ल्ड कप को। सिमिलरली जब WTC का टाइम था तब सब टेस्ट खेल रहे थे और फिर जब T20 का भी टाइम आ रहा है तो सब T20 खेलने, ODI तो अब खत्म ही हो जाएंगे। तो नेचुरली जो ICC जिस तरीके से गेम्स बना रही है, जो स्केड्यूलिंग कर रही है, वो भी ऐसे डायरेक्शन में होंगे कि जो टूर्नामेंट सबसे पास है उसी फॉर्मेट के मैचेस कराओ, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा प्लेयर्स को। इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आई थिंक अब जो आ रहे हैं ना प्लेयर्स, उनको खुद भी एक शायद एक मेंटल प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि मैं तीनों फॉर्मेट नहीं खेलूंगा। हाँ, क्योंकि हर प्लेयर चाहेगा तो यही ना कि मैं अपनी कंट्री के लिए तीनों फॉर्मेट खेलूँ। तो क्या वो सेंटिमेंट प्लेयर्स में आ सकता है ऐसे? नेचुरली आई डोंट थिंक आएगा। तो ये BCCI को एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी गोइंग फॉरवर्ड कि भाई एट मैक्स 2 फॉर्मेट्स में भी, नॉट 3 दो, बिकॉज आई थिंक जो बंदा टेस्ट मैच खेल रहा हो, T20 खेल रहा हो, तो बहुत ही अलग है, रेडिकली अलग होने वाला है। मैं कह सकता हूँ टेस्ट और ODI शायद फिर भी खेल रहे हैं, फिर ODI T20 शायद फिर भी खेल रहे हैं आदमी, बट टेस्ट और T20 तो बहुत ही अलग है भाई। वो उस अगर उस लेवल का कोई बैट्समैन आपको मिल जाए तो अलग बात है, बट जिस लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए, अलग अलग टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए T20 और टेस्ट में, बहुत मुश्किल है कि एक बैट्समैन दोनों चीज़ों को एकदम परफेक्ट तरीके से कर पाए। और आज के टाइम पे गोइंग फॉरवर्ड हमें स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। T20 स्पेशलिस्ट, टेस्ट स्पेशलिस्ट, तभी हम लोग ट्रॉफीज जीत पाएंगे। ऑफ कोर्स वो मेंटल इशू भी है कि हम लोग फाइनल्स में आके चोक कर जाते हैं, सेमीज में आके चोक कर जाते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड ये चीज़ हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो इंग्लैंड ने इस बार वर्ल्ड कप में बहुत गंदा करा है, बट वी कैन नॉट डिसरिगार्ड द फैक्ट कि वो लोग फिर भी अभी एक महीने पहले तक T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस भी थे और ODI वर्ल्ड कप चैंपियंस भी थे, और अभी अभी नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में भी फेवरेट्स होंगे। हाँ, तो और वो क्यों होंगे? क्योंकि ODI की टीम अलग है, T20 की टीम अलग है। तो ODI के परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती कि वो T20 में फेवरेट्स होने वाले कि नहीं होने वाले। तो आई थिंक कि मतलब ये इनएविटेबल चीज़ है, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था इसको, इसीलिए पिछले 3 वर्ल्ड कप्स इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इंडिया ने वो चीज़ थोड़ी मिस कर दी थी, बट अब टाइम है करने का। पर प्रॉब्लम यही है कि हर साल एक ICC इवेंट हो रहा है, तो ये जो मैं चीज़ कह रहा हूँ ना कि अलग टीम्स हो, हर फॉर्मेट में अलग कैप्टन हो, अलग कोच हो, इसका मतलब पता है क्या है? कि अगले 2-3 साल में जो नियर फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स आप उनको सैक्रिफाइस कर रहे हो, क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो। हाँ, राइट। और ये एक डिलेमा है जहाँ पे हम लोग BCCI को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप अभी अगले 6 महीने में जो शॉर्ट टर्म टूर्नामेंट आने वाला उसके बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म विजन रखो, या फिर अगले 10 साल का सोचो। क्योंकि शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो शायद अभी एक ट्रॉफी जीत जाओ, लेकिन आने वाले टाइम में फिर एकदम से कोलैप्स करेगा पूरा सिस्टम। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो शायद हाँ, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे आज से 7-8 साल बाद, बट अभी शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 साल में बहुत हो सकता है हम लोग लॉस होगा, फिर कितना लॉस होगा। तो सैक्रिफाइस तो किसी ना किसी तरीके से होने ही वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है, नाउ ये तो मैंने पूरा ग्राउंड वर्क सेट कर दिया है, नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि हर फॉर्मेट में हम क्या पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं, एंड एट व्हाट पॉइंट डू वी डिसाइड कि हमें कैप्टनसी में चेंज करना है, टीम्स अलग करनी है, कोच अलग करने हैं। ठीक है, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पहले T20 से स्टार्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप अभी जून में है मेरे ख्याल से अगले साल, तो 7 महीने कुछ रह गए। डू यू थिंक कि अभी हमें राहुल द्रविड़ या रोहित शर्मा में से किसी को हटाना चाहिए T20 से? आई थिंक राहुल द्रविड़ हट सकता है। ओके, व्हाई? मतलब जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमारे पास डेटा है, जितना सैम्पल साइज है, वी हैव सीन कि T20 क्रिकेट में वो अप्रोच नहीं ला पाया। एंड आई फर्मली बिलीव, जो कि अभी मैंने कुछ मिनट पहले ही कहा था, कि जिस कोच ने खुद एक्सपीरियंस करा हो वो चीज़ T20 फॉर्मेट में, उसको ही कोच बनना चाहिए अल्टीमेटली। आई थिंक वो तो है, बट कैप्टनसी आई डोंट थिंक चेंज होनी चाहिए इस टाइम पर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी राहुल द्रविड़ को नहीं हटाना चाहिए T20 से भी। हाँ ओके क्योंकि टूर्नामेंट सिर्फ 7 महीने दूर है, 6-7 महीने दूर है, और अगर अभी कोई नया कोच आएगा, देखो अभी दिसंबर तक तो यही चलने वाला है अपना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। हाँ। तो मान के चलो कि जनवरी तक जाके कोई अपॉइंट होगा नया कोच, अगर इसको सैक करना भी है द्रविड़ को भी, क्योंकि अगर वीवी लक्ष्मण को कोच बनाना तो फिर वो भी तो वही सीन हो गया ना दोबारा, खुद T20 खेली नहीं कभी, तो हाउ इज ही बेटर देन राहुल द्रविड़। तो मतलब मान लो जनवरी तक आ रहा है तो आपके पास इफेक्टिवली 6 महीने रह गए एक नई टीम बनाने में और फिर अपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कराने में, और इट इज़ अनफेयर टू द न्यू कोच एज वेल। तो आई थिंक आई वुड रादर बेट कि हम लोग राहुल द्रविड़ को अभी T20 वर्ल्ड कप तक तो रखें ही, और फिर हमारे पास 2 साल का टाइम होगा तो T20 फॉर्मेट से हम लोग फेज आउट करना शुरू करें। ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी भी पीपल आर सेइंग कि मोस्ट प्रोबब्ली T20 फॉर्मेट में ही होगी। आई डिसएग्री, आई डोंट थिंक होगा। ओके मतलब बहुत मुश्किल है क्योंकि स्पेशली आफ्टर द सक्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड कप, मोस्ट अटेंडेड वर्ल्ड कप एवर, पीपल विल बी टेम्प्टेड कि यार ओडीआई को अगर प्रिजर्व करना है तो हम लोग, मुझे लगता है ना चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक इकलौता पर्पस है ना एग्जिस्ट करने का भी, वो यही है कि वो ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाए। ओके T20 फॉर्मेट तो हर 2 साल में वर्ल्ड कप आ ही रहा है, तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी की क्या जरूरत थी? ये ओडीआई फॉर्मेट को एक लाइफ देने के चक्कर में चैंपियंस ट्रॉफी को रखा हुआ है कि अगर सिर्फ 4 साल में एक बार ओडीआई फॉर्मेट आएगा तो कहीं लोग भूल ना जाए, बिकॉज हर 2 साल में टेस्ट का चैंपियनशिप भी आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो ओडीआई तो एकदम पीछे रह गया। तो क्या करो, बीच में वो भी डाल दो, चैंपियंस ट्रॉफी भी डाल दो। हाँ। ताकि वो भी हर 2-2 साल में आता रहे। तो आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी होने का पर्पस ही यही है, उसकी एग्जिस्टेंस का कोर ही यही है कि उसको ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाए ताकि ओडीआई फॉर्मेट में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बना रहे हर 2 साल में। एंड आई थिंक ये अगर ये T20 ने कर दिया ना तो बहुत गलत डायरेक्शन में इसलिए हुआ क्योंकि ये वो महंगा एशिया कप बना देंगे उसे कि हाँ। जो अगला टूर्नामेंट होने वाला उस फॉर्मेट में कर लो, सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन हो गई आपकी। ऑनेस्टली आई थिंक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुड नॉट एग्जिस्ट नाउ। हाँ आप तो नहीं करनी चाहिए राइट। और मैं अगर 5-6 साल पहले मुझसे क्वेश्चन पूछते तो मैं कहता भाई करना चाहिए, बहुत मजा आता है, बट सैडली अब इतना ज्यादा सैचुरेशन हो गया है ना, मतलब अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ और अभी कल से दोबारा शुरू हो रहा है, तो आई डोंट थिंक कि चैंपियंस ट्रॉफी को अब एग्जिस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट जितना कम करोगे अब आईसीसी टूर्नामेंट्स उतना वैल्यू बढ़ेगा उनका। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक ये जो हम लोग कह रहे हैं ना फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट की किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अल्टीमेट गोल हमारा यही है, हर फॉर्मेट में अलग कोचेज हो, अलग कैप्टन हो, अलग टीम्स हो, ये हमारा एंड गोल है। ठीक है, अब यहाँ तक पहुँचने का हम लोग को एक रोड मैप सेट करना है। ये रोड मैप की शुरुआत 2023 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है अभी से नहीं होगी मेरे ख्याल से। नाउ इज नॉट द टाइम, द टाइम विल बी 2024 T20 वर्ल्ड कप। जो बीच का हमें 6-7 महीने का टाइम मिला, यहाँ पे हम लोग प्लानिंग का स्टेज कर सकते हैं कि हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन का स्टेज शुरू होगा 2024 जून के बाद। ओके जो लोग सोच रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, मैंने इस सेगमेंट की स्टार्टिंग ही ऐसे करी थी, एंड ऑफ अ साइकिल, वो मैंने जानबूझ के बोला था बिकॉज इट इज नॉट एन एंड ऑफ अ साइकिल राइट नाउ। वो मैंने टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन इसीलिए बोला था बिकॉज लोग ऐसा परसीव कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, बट क्या ये एक्चुअली में ऐसा है? आई डोंट थिंक सो। अभी जो 6-7 महीने हैं ये हैं हमारे पास प्लानिंग करने के। अनदर रीजन वाई राहुल द्रविड़ कुड कंटिन्यू इज, अगर आप नोटिस करो अभी जो हमारी ओडीआई टीम थी वर्ल्ड कप की, इसमें से कितने सारे प्लेयर्स अभी लेजेंड बनते हैं T20 में खेलने वाले। बुमराह खेलेगा फॉर श्योर, आई थिंक सिराज खेलेगा, शमी भी खेल सकता है बिल्कुल जैसा खेल रहा है वो, जडेजा खेलेगा बिल्कुल, कुलदीप यादव भी खेलेगा, हार्दिक पांड्या भी खेलेगा, केएल राहुल का चलो आई डोंट नो ऑल्दो आई एम श्योर कि खेलेगा। वैसे ये तो पता है जेन्युइनली T20 टीम आनी बहुत डिफिकल्ट है इस बार। लाइक अभी अ फ्यू डेज बैक आई वाज थिंकिंग कि अल्टीमेटली क्या T20 टीम बनने वाली है। अगर हम लोग इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाते हैं क्योंकि केएल राहुल भी खेल सकता है T20, श्रेयस अय्यर भी खेल सकता है T20, ईशान किशन भी खेल सकता है, कोहली रोहित तो खेलेंगे, गिल तो डेफिनेटली खेलेगा, वहाँ जायसवाल भी वेट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली T20 टीम बनाना स्टेज, विच इज वाई अभी जो अभी हम लोग स्क्वाड डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया वाली, आई थिंक उसने बहुत बड़ी खिचड़ी बना दी है। ओके तो मैं यही कह रहा हूँ कि क्योंकि, और कई लोग ना अब यहाँ पे बोलेंगे कि यार ओडीआई की परफॉर्मेंस को तुम T20 मतलब ओडीआई के परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम T20 वर्ल्ड कप की टीम को सेलेक्ट कर रहे हो। अभी तो तुमने कहा कि हमें हर फॉर्मेट के अलग क्राइटेरिया रखने, अलग टीम रखनी है। पॉइंट वही है कि इन नियर फ्यूचर अभी क्योंकि 6-7 महीने में ये टूर्नामेंट आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली जो ये प्लेयर्स हमने देखे वर्ल्ड कप में यही खेलने वाले हैं अगले साल भी T20 वर्ल्ड कप में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके के फॉर्म में ये लोग हैं कोई मना भी कैसे करेगा, बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली जिस तरीके का टेम्पलेट इन लोगों ने दिखाया है, इट कैन बी ट्रांजिशन टू T20 राइट नाउ। एग्जैक्टली। एंड ये लास्ट टाइम है जब हमें सुपर टीम को खेलते हुए देख भी सकते थे एक साथ। 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में फॉर श्योर ये साथ में नहीं होंगे। 26 के T20 वर्ल्ड कप में भी आई थिंक वील हैव टू टेक द हार्ड कॉल, बिकॉज तब रोहित शर्मा 39 का होगा, जडेजा भी आई थिंक कितना 37 कुछ का होगा, विराट कोहली 38 का होगा। आई थिंक जब ये लोग अपने लेट 30s में आ जाएंगे तब एक बेटर कॉल रहेगा बोलना कि अब नहीं, चाहे कैसा भी खेल रहे हो। बट अभी मिड 30s में और अभी सब क्वाइट फ्रेंकली जैसा वर्ल्ड कप खेले सब अपनी पीक पे लग रहे थे भाई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 35-36 साल के 25 के लग रहे थे, तो क्या कोई कैसी क्वेश्चन करेगा। प्लस सबने वो पावर हिटिंग एबिलिटी दिखाई है, वेदर इट बी केएल राहुल, श्रेयस अय्यर ने कितनी तगड़ी दिखाई है इस बार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आई थिंक सबने दिखाई है। तो लॉजिकली तो अभी सेंस नहीं बनता कि इन लोगों को हम लोग मना करें खेलने से। और पॉइंट वही है कि क्योंकि ये सब प्लेयर्स मोस्ट लाइकली खेलेंगे तो फिर कोच भी ऐसा होना चाहिए जो इनके साथ काम करा हुआ हो। एंड सो आई थिंक ये T20 वर्ल्ड कप तक, जो एज ए सेड बिफोर, ये जून तक अगले साल हमारा प्लानिंग का स्टेज है कि अगले 10 साल हमें कैसे रखने, विद द गोल बीइंग कि 2031, 2033 अगर 10 साल ले लो, तब तक हमें 3 टीम्स 3 कैप्टन्स 3 कोच चाहिए। तो वहां तक का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है एज ए सेड अगेन जून से शुरू होगा, जून तक काम है हमारा प्लानिंग करने का। तो जून तक आई थिंक ये लोग प्लेयर्स खेल सकते हैं हर फॉर्मेट में। उसके बाद अब एक टाइम आएगा कि अब हम लोग को वी हैव टू स्टार्ट मूविंग ऑन फ्रॉम प्लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कोचिंग की बात करूंगा। आई थिंक इवन इफ वी विन द T20 वर्ल्ड कप, राहुल द्रविड़ शुड डू अवे विद द T20 फॉर्मेट। इफ वी विन तो मतलब ही हैज डन हिज जॉब, ही कैन इजीली रिलैक्स नाउ एंड लीव T20 फॉर्मेट, नाउ स्पेसिफिकली फोकस ऑन टेस्ट एंड ओडीआईज। आई थिंक टेस्ट खेले तो ही इज द मेन गाय, वी शुड नॉट बी चेंजिंग हिम, राइट, वी शुड ट्रस्ट हिम। T20 में देन वी कैन लुक टू हैव अ न्यू कोच जो कि T20 के डायनामिक्स को लेके आएगा। एंड फॉर अ चेंज आई एम टेम्प्टेड टू हैव अ फॉरेन कोच। ओके, पिछले 6-7-8 सालों में ये ट्रेंड दोबारा वापस आया कि इंडियन कोचेस को लेके आओ, क्योंकि इंडियन कोचेस ही इंडियन प्लेयर्स को सबसे अच्छे तरीके से समझते हैं। आई थिंक वो सही डिसीजन था, उस टाइम के लिए ज़रूरी था। अब जो टाइम आने वाला है, आई थिंक T20 का जो कल्चर है हमारा, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए हमें एक फॉरेन इन्फ्लक्स चाहिए कि एक ऐसा बंदा आए फॉरेन कंट्री से जो कि वहाँ की मेंटालिटी भी लेके आए, कि पावर हिटिंग करनी है, फील्डलेस क्रिकेट खेलना है, बेसिकली कोई फेवरेट भी ना हो उसका कोई। एग्जैक्टली तो एंड क्योंकि इसके बाद हम लोग स्क्रैच से शुरू करेंगे तो बड़े नाम भी नहीं होंगे टीम में, तो वो कोच को ईगो से डील करना भी नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक एक फॉरेन कोच के लिए मैं बहुत टेम्प्टेड हूँगा एक फॉर्मेट में रखने के लिए, फॉर सम रीज़न। आई नो थोड़ा कम्युनिकेशन बैरियर वगैरह हो सकता है, बट आई थिंक वो टाइम दोबारा आ गया है, चाहे एक छोटे पीरियड के लिए ही हो, कि एक फॉरेन कोच को दोबारा लाया जाए इन T20 फॉर्मेट, नॉट इन इंडिया, क्योंकि नॉट इन इंडिया कह रहा हूँ, नॉट इन टेस्ट, बिकॉज टेस्ट में यही सीन है ना कि जब आप घर पे खेल रहे होते हो तो आपको स्पिनिंग खेलना आना चाहिए और इंडियन कंडीशंस पता होनी चाहिए, राइट। एंड क्वाइट फ्रैंकली वी आर रीचिंग द WTC फाइनल सबसे शुरू हुआ, तो देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट। आई थिंक T20 में आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप एक फॉरेन कोच लेके आ सकते हैं। देन क्या हम लोग को राहुल द्रविड़ को टेस्ट और ओडीआई दोनों में कोच रखना है टिल द 2027 वर्ल्ड कप, ये एक क्वेश्चन की बात होगी। आई थिंक 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, विच इज जस्ट 2 years अवे, एंड 2024 में जब जून में हम आ जाएंगे तब से एक ही साल बचा होगा। तो आई थिंक 2025 तक तो राहुल द्रविड़ ओडीआई फॉर्मेट में भी कंटिन्यू कर सकता है। अभी से ही उसको, अब जो एक्सटेंशन मिलेगा शायद 2 साल का मिल जाएगा डायरेक्टली, विच वुड कवर द चैंपियंस ट्रॉफी। अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर 2025 में होगी तो फिर आप क्या बीच में 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल का टाइम बचेगा, तब आप क्या नया कोच रखना चाहते हो? आई थिंक वो भी क्वेश्चन वाली बात है, राइट। तो फिर आप शायद टेम्प्टेड होगे कि 2027 तक आपको राहुल द्रविड़ को ओडीआईज में भी एज अ कोच रखना होगा, इसी नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी करे कोच, राइट। बट दैट इज द लिमिट। आई थिंक 2027 के बाद ओडीआई में भी हमें एक नया कोच ले आना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ओडीआईज, एंड Dravid can continue as the test coach, and if he feels कि बहुत exhaustive हो गया, then we can look into a new coach as well. But 2024 में we should have 2 coaches, one for ODI and tests and one for T20, and by 2027 हम लोग को 3 अलग-अलग कोचेस मिल जाने चाहिए। ये टाइमलाइन हमने पूरी सेट कर दी है। अब इन 3 कोचेस के साथ हम लोग 4-5 साल वर्क करेंगे तो हमारे पास होपफुली अलग अलग फॉर्मेट में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बात होगी कोचिंग की। अब प्लेयर्स की बात करते हैं, विच इज द मोर हॉट टॉपिक। रोहित शर्मा की ही बात कर लेते हैं, अगर वो T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है पहले तो शुड ही बी द कैप्टन? आई थिंक सो, जब तक भी रोहित शर्मा खेल रहा है ही शुड बी द कैप्टन. इट्स नॉट लाइक ही हैज नॉट बीन डिलीवरिंग द रिजल्ट्स. T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें तो अल्टीमेटली हम सेमीफाइनल तो गए थे कैसे भी कर लो, पर गए थे अल्टीमेटली वहाँ तक. आई थिंक उसकी कैप्टेंसी पे जेन्युइनली इस टाइम पे कोई क्वेश्चन नहीं है. एंड पता है जितने क्वेश्चंस आ भी रहे, इट इज़ सो सैड टू सी, क्योंकि उसने वो चीज़ बोली थी उस टाइम पे लिटरली अ फ्यू डेज बैक. उसने कहा था कि एक गंदा गेम जाएगा मेरा और सब मेरी कैप्टेंसी पे क्वेश्चन उठाने लग जाएंगे. आई नो हाउ इट वर्क्स. एंड वो चीज़ हुई कुछ हद तक. भाई मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा फैंस जो कर रहे हैं, आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था विराट कोहली फैंस स्पेशली. मतलब वो पूरा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 2019 में तो विराट कोहली को इतनी गाली पड़ी थी, अब हम रोहित शर्मा को गाली क्यों नहीं दे रहे? वो कैप्टेंसी वाज नेवर द प्रॉब्लम, उल्टा सीधा करके. भाई कैप्टेंसी प्रॉब्लम थी या नहीं थी, द फैक्ट कि हम लोग इतने डोमिनेटिंग फैशन में फाइनल तक आए हैं बहुत बड़ी बात है ये. एंड सी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत रॉफ शब्दों में ये चीज़ कहूँ तो इन वाइड बॉल क्रिकेट अभी तक जितना डेटा आया है हमारे पास, रोहित शर्मा इज द बेटर कैप्टन. चाहे हम लोग वाइड बॉल क्रिकेट में IPL को ले लें या फिर अल्टीमेटली हमारे अभी रिजल्ट्स की बात करें, फाइनल तक पहुंच गए हम लोग अल्टीमेटली. तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉ स्टैटिस्टिक्स भी अगर आपको देखना है तो वाइड बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट का मैं नहीं कह रहा क्योंकि वहाँ पे कोहली ने बहुत अलग लेवल पे लेके गया था वो, बट वाइड बॉल क्रिकेट में वी हैव इनफ स्टैटिस्टिक्स टू शो कि रोहित शर्मा माइट बी द बेटर कैप्टन. तो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई क्वेश्चन उठाने का सवाल ही नहीं इस टाइम पर रोहित शर्मा की कैप्टनसी. बहुत डिसअपॉइंटिंग यार कि ये इंडियंस ही आपस में लड़ाई कर रहे हैं भाई अपने आइडल के लिए. मतलब ये लोग ये नहीं सोच रहे कि हमारी कंट्री भी हारी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए प्लेयर्स को. ये सोच रहे कि मेरे आइडल को गाली पड़ी थी तो मैं दूसरे को भी गाली दूँ. वो बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बहुत नीच सोच है ये. एंड फॉर वंस आई एम हैप्पी कि रोहित शर्मा को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है. राइट. एंड क्वाइट फ्रेंकली जो लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को क्यों गाली पड़ी थी इसको क्यों नहीं मिल रही है, मतलब मैं थोड़ा रूड होके भी अगर ये चीज़ कहूँ, विराट कोहली सेमीज तक पहुँचा था और ये फाइनल्स तक पहुँचा है, और विराट कोहली हारा था मैचेस और इतना बड़े मार्जिन से जीता भी नहीं था, और रोहित शर्मा जीता है. और ये चीज़ मैं एक डिस नहीं कर रहा हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच का. अगर धोनी भी होता और रोहित शर्मा होता तो भी रोहित शर्मा को ही ज़्यादा मिलती आइडियली, वैसे तो धोनी का स्टेटस ही अलग है. या फिर अगर विराट कोहली 2023 का कैप्टन होता और उसने ये परफॉर्मेंस दी होती, और रोहित शर्मा 2019 का कैप्टन होता और परफॉर्मेंस होती, तो विराट कोहली को ही मिलती. तो ऑफेंड मत हो जाना ये सोचे कि मैं विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा में से किसी को कह रहा हूँ. मैं सिर्फ जो बंदा उस ईयर में उस पोजीशन ऑफ पावर में था, उसके अंडर जो परफॉर्मेंस आई है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ. भाई जो बंदा फाइनल्स तक पहुंचा और जिस तरीके से पहुंचा है वो, ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा प्रेज मिलेगी. तो इसमें ईगो पे लेने वाली बात है ही नहीं कि मेरे प्लेयर को गाली क्यों दी, इनको क्यों नहीं दी. भाई सबको सारे प्लेयर्स अप्रिशिएट करने चाहिए अपनी कंट्री के, तो एटलीस्ट दैट्स द लीस्ट दैट यू कुड डू. बट आई थिंक रोहित शर्मा शुड बी द कैप्टन फॉर द T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर, एंड आई थिंक ही शुड प्ले. आई विल से समथिंग कॉन्ट्रोवर्शियल हेयर. आई थिंक सबसे थ्रेटनिंग, सबसे डेंजरस वाइड बॉल ओपनर इंडिया का इस वक्त रोहित शर्मा, इवन मोर देन शुभमन गिल. एंड आई थिंक हैंड्स डाउन उसको स्टार्ट करना चाहिए. अलॉन्ग विद विराट कोहली ही शुड बी द फर्स्ट गाय ऑन द लिस्ट. मैं तो इतना कहूँगा. ओके, आई नो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी सवाल उठे थे उसके ऊपर, एंड राइटफुली सो, बट जिस तरीके से उसने अपना गेम चेंज करा है, कोई भी क्वेश्चन करने के पोजिशन पर नहीं है उसको. प्लस इंडियन क्रिकेट T20, अगर हम लोग अपने जो भी हम लोग कहते हैं कि हमारा जो बेसिकली टेम्पलेट है T20 में खेलने का, T20 वर्ल्ड कप 2022 के टाइम पे हमने कितना बोला था, ये कितने सारी वीडियोस में चीज़ बोली थी कि इंग्लैंड जो अटैकिंग क्रिकेट लेके आ रही है हम वो अभी तक नहीं ले पाए हैं. एंड जो कि बाद में नासिर हुसैन ने कहा था अल्टीमेटली कि रोहित शर्मा वॉज द गाय जिसने दिनेश कार्तिक से कहा वी नीड टू चेंज, एंड फिर वो नई अप्रोच लेके आता है. लीडिंग बाय एग्जाम्पल. ये जो अप्रोच आई है ये T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग गेम से ही वैसे मार के खेल रहा है, प्लस बाकी प्लेयर्स विल ऑब्वियसली फॉलो इन द फुटस्टेप्स. तो आई थिंक वो कोई चेंज होना जरूरी नहीं है. तो गिवन कि ऑलमोस्ट सेम टीम और सेम कैप्टन होंगे आई थिंक 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, तो समझ में आता है उसके बाद. बट अब देखो हमने कोचिंग का तो पूरा डिफाइन कर दिया 24 और 27 वाले ईयर्स में. अब कैप्टन और टीम्स की टाइमलाइन भी सेट कर लेते हैं, बट ट्राई करते हैं. काफ़ी डिटेल्ड चीज़ है भाई, काफ़ी दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर ऑल द लिसनर्स. काफ़ी मैं भी ऑन द स्पॉट नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो प्लान कर रहा था. आई थिंक 2024 के बाद एक क्वेश्चन रहेगा ऑन गाइज लाइक विराट कोहली, बिकॉज 2026 में दे विल स्टिल बी जस्ट 38. जस्ट तो नहीं है बट गिवन हिज फिटनेस एक क्वेश्चन होगा कि मे बी ही कैन पुल ऑफ अनदर T20 वर्ल्ड कप, हु नोज. तो एक हार्ड कॉल लेने वाली बात आएगी कि क्या अब हमें ये कह देना चाहिए कि भाई आप इस फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे. माय बेट ऑन द ब्राइटर साइड इज कि विराट कोहली खुद ही ये कहने वाला है, मुझे भी लगता है, एज ही एंटर्स हिज लेट 30s कि अब मैं एक ही फॉर्मेट को प्रायोरिटाइज करूंगा, विच मीन्स सबसे पहले T20 को कट ऑफ करना, देन 2027 वर्ल्ड कप के बाद प्रॉब्ली ओडीआई को कट ऑफ करना, एंड आखिरी का एक डेढ़ साल अपना करियर का सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलना. राइट, आई थिंक वो करियर प्रोग्रेशन वैसा ही जाएगा, विच वुड मीन दैट नेक्स्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप कुड बी हिज लास्ट. अगर विराट कोहली खुद ये कॉल लेगा तो इट वुड बी वेरी इजी ऑन द सिलेक्टर्स ऑल्सो कि बहुत रिस्पेक्टफुली हम इस चीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वरना यू डोंट वांट टू सी द सिलेक्टर्स मेक अ हार्ड कॉल ऑन सच अ बिग लेजेंड. एग्जैक्टली, बट आई थिंक फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट्स फ्यूचर दिस डेफिनेटली शुड बी द लास्ट वर्ल्ड कप ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बिकॉज इवन रोहित शर्मा विल बी 39 और अगर वो एक दो साल अच्छा खेलता है तो हू आर वी टू क्वेश्चन, राइट. बट अभी वही प्रॉब्लम है, अभी जो T20 सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, स्क्वाड जो तुम देख रहे हो ये रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं. अगर दो T20 वर्ल्ड कप अगर ये लोग और खेल जाएंगे तो 4 साल और ऐड कर लो. ये लोग अपने ये रिंकू सिंह वगैरह 30वीं साल के हो चुके होंगे भाई, और तब तक खेल ही नहीं पाए. रिंकू सिंह का तो मुझे स्पेशली लगता है क्योंकि मान लो ये T20 वर्ल्ड कप तो आई थिंक मिस करेगा ही करेगा, बट इसके बाद तो इट इज हिज प्राइम भाई, वहां पे तो खेलना ही. आई थिंक स्क्वाड में फिर भी आ सकता है अगर इफ ही हैज अ स्टार्ट. नहीं हां, इस वाले में ना आई डोंट थिंक बट वो स्टार्ट करने वाला है. मुश्किल है अभी तो मुश्किल लग रहा है. ऑफ कोर्स 5-6 महीने बाद क्या होगा देखना पड़ेगा. सो आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, आई थिंक इन सबका. बुमराह के लिए अब वही बात है ना कि ही विल बी जस्ट 31 इन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप. अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2026 का T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो बुमराह विल बी 33. हां, 33 तो यार, स्पेशली गिवन कि अगर हम लोग ये इस चीज में मूव ऑन कर रहे हैं कि हर फॉर्मेट की अलग टीम हो तो बुमराह का वर्कलोड भी कमी हो जाएगा अल्टीमेटली. सो मे बी बुमराह कैन स्ट्रेच आउट, इवन KL राहुल कैन स्ट्रेच आउट. KL राहुल पे मेरे थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे ऑल्दो कि क्या वो मिडिल ऑर्डर में एज अ T20 बैट्समैन खेलना चाहिए. एज एन ओपनर तो समझ में आता था हाँ, राइट. बट अब क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, क्या वो T20 में सूटेड है व्हेन वी हैव ऑप्शंस लाइक श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऑफ कोर्स ईशान किशन में भी, हु आर बेटर पावर हिटर्स राइट नाउ इन माई ओपिनियन, रिंकू सिंह. तो ये राहुल पे क्वेश्चन रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन चुका है. बट ये सारे प्लेयर्स का लास्ट T20 वर्ल्ड कप आई थिंक 2024 का है, और 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही वी शुड स्टार्ट अ कंप्लीटली फ्रेश टीम. आई थिंक ये टाइम हमारा करेक्ट होगा कि हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करें, एक नया कोच बनाए. तो 2024 तक वी शुड हैव, आफ्टर T20 वर्ल्ड कप 2024 में वी शुड हैव अ न्यू T20 कैप्टन एंड अ न्यू T20 कोच ऑल्सो. ओके, नया कैप्टन और नया कोच होगा तो ऑटोमेटिकली नई टीम भी बनेगी हाँ. तो T20 फॉर्मेट को तो हमने पूरा सेग्रीगेट कर ही दिया. अब आता है ओडीआई फॉर्मेट. ठीक है, ओडीआई फॉर्मेट 2025 में होना है, 2 ही साल रहते हैं. आई थिंक दिस टीम विल कैरी ऑन. सेम मुझे भी लगता है. ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस होंगे. रोहित शर्मा कर पाएगा अपना कैरी? हाँ, आराम से करेगा. इनफैक्ट अभी लेटेस्ट न्यूज आई है कि वो 25 तक का सोच रहा है. ओके, आई थिंक रोहित शर्मा आराम से कर लेगा कैरी, क्योंकि 2027 में ही 2025 में ही WTC साइकिल भी है, तो ये सारे लोग खेलने तो वाले ही हैं फॉर्मेट्स, तो टच में तो रहेंगे क्रिकेट के. आई थिंक 2025 तक ये सेम टीम रहेगी, बहुत कम चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं. बट 2025 से 2027 के जो 2 साल है ये बहुत क्रूशल है वर्ल्ड कप के लिए, और ये बहुत डिलेमा वाला सीन है क्योंकि अगर आपने दो वर्ल्ड कप्स के बीच में 4 साल का टाइम होता है. अगर आपने 2 साल ऑलरेडी इसी टीम में इन्वेस्ट कर दिए तो हाँ, आपने आधा टाइम निकाल दिया है. जो धोनी की मूवी नहीं थी उसमें उसने कहा था कि अब सिर्फ 4 साल ही रह गए हैं. हाँ, वो सिलेक्टर कहता अभी तो 4 साल है, कहता सिर्फ 4 साल रह गए हैं. वो बहुत बढ़िया माइंडसेट है टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड वही प्रॉब्लम है कि खिचड़ी जो बना दी ICC ने इतने सारे टूर्नामेंट्स ला कर बीच बीच में, अब आपके पास ना ये इतना बड़ा डिलेमा है कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें क्योंकि अभी तो टूर्नामेंट आ रहा है तो उसकी प्रिपरेशन कर, हारेंगे तो गाली पड़ेगी, या फिर हम लॉन्ग टर्म सोचे कि भाई वर्ल्ड कप भी तो आना है 4 साल बाद. तो मैं बोर्ड्स को भी ब्लेम नहीं कर सकता, हाँ, मैं प्लेयर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकता इसमें. अब हमें हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी. क्या 2025 में अगर चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे प्लेयर्स खेलते हैं ये, या फिर जितने भी जडेजा वगैरह सब, शामी, के राहुल तो चलो नहीं, क्या इन लोगों को फिर 27 वाला वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक कुछ प्लेयर्स लाइक आई डोंट थिंक रोहित शर्मा खुद भी वो करने वाला उस चीज़ के लिए. आई थिंक कि 2025 के बाद प्रॉब्ली वो खुद ही अनाउंस कर देगा कि मे बी 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा 39 समथिंग का हो चुका होगा, तो बहुत एज हो चुकी होगी। मतलब सचिन भी वैसे 38-39 का था लास्ट वर्ल्ड कप में, बट सचिन वो सचिन, मतलब अगर हम लोग, इफ देयर इज वन गाय हु कम्स क्लोज टू सचिन इन टर्म्स ऑफ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी, इट इज रोहित शर्मा दो। ऑल दो पॉइंट वो है ना कि क्या उसकी फिटनेस वहाँ तक मेंटेन रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, मतलब स्पेशली, बट गिवन कि वो अगले साल T20 फॉर्मेट गिव अप कर दे, ही हैज 3 years विदाउट अ थर्ड फॉर्मेट। ये तो आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि इट ऑल डिपेंड्स कि जो यंगस्टर्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अ गाय लाइक जायसवाल इज परफॉर्मिंग डे इन डे आउट, और अगर अल्टीमेटली रोहित शर्मा से बेटर परफॉर्मेंस जा रही है, तो अगेन वील हैव टू मेक द हार्ड कॉल एंड रोहित शर्मा को ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे को अभी भी यही लगता है कि रोहित शर्मा शायद खुद मना कर दे उस चीज़ के लिए, नहीं खेलेगा। इफ ही इज इन गुड फॉर्म, हाँ, लाइक ही इज राइट नाउ, वुड यू से कि उसको नहीं खेलना चाहिए? डिपेंड्स, जायसवाल बेटर करता है नहीं करता। जैसे अभी ही वाज द बेस्ट ओपनर, हाँ राइट, अगर ऐसे फॉर्म में है नहीं, बट लाइक बेस्ट ओपनर, अगर उस वक्त भी वो बेस्ट ओपनर, बिकॉज़ जायसवाल इस रोल में नहीं होगा कभी भी, मारने के रोल में। भाई देयर इज अ रीजन व्हाई आई थॉट कि रोहित शर्मा मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। जो उसने करा है ना एज एन ओपनर, ये इंडियन ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी ने नहीं करा है भाई। ऑल्दो लाइक एज यू सेड कि ये चीज़ रेवोल्यूशनाइज करने वाली है इंडियन क्रिकेट को भी और ओडीआई क्रिकेट इन जनरल को। तो क्या हम जायसवाल को ओडीआई फॉर्मेट में इस रोल में डेवलप करने वाले हैं? बट देन दैट वुड दैट ऑल्सो नॉट मीन कि उसका टेस्ट गेम शायद अफेक्ट हो रहा है कुछ हद तक, विच इज़ वाई माई पॉइंट कि हमें अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग टीम रखनी चाहिए, बिकॉज डेफिनेटिव एक स्पेशलिस्ट अप्रोच हमें रखना पड़ेगा। एंड हर कोई रोहित शर्मा के कैलिबर का नहीं है कि वो टेस्ट में भी अच्छा खेल रहा है और ओडीआई में भी ऐसे फॉर्मेट में अच्छा खेल रहा है इस तरीके से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें आगे जाके स्पेशलाइज करना ही पड़ेगा। तो क्या हम यशस्वी जायसवाल के ऊपर वो बेट रखना चाहते हैं? कैन ही पुल इट ऑफ? ऑफकोर्स मे बी ही कैन, बहुत टैलेंट दिखाया है, बट एक रिस्क है कि शायद ना भी हो। मे बी ही कुड बी अनदर पृथ्वी शॉ, हू नोस। पृथ्वी शॉ के लिए, पृथ्वी शॉ से ज्यादा टैलेंटेड कोई यंगस्टर था क्या? शुभमन गिल का कोई नाम नहीं था उस टाइम पे 2019 के वर्ल्ड कप में, टॉप स्कोर था शुभमन गिल, पूरी लाइमलाइट थी पृथ्वी शॉ के ऊपर, बिकॉज सचिन ने कहा था भाई देखना इस बंदे को। तो भाई यू नेवर नो, टाइम का कुछ पता नहीं होता। माई पॉइंट इज कि 2000, एंड दिस इज हाउ आई सी इट, 2027 का जो वर्ल्ड कप आएगा, दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स, 3-4 एक्सपीरियंस प्लेयर्स एंड अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स। इट विल बी अ ट्रांजिशनरी वर्ल्ड कप, जो कि हमारा 2015 में हुआ था। जिनको नहीं पता, यू कैन लुक बैक एट द स्क्वाड ऑफ 2015 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप से कंपेयर कर लेना, जहाँ पे सारे लोग अपने प्राइम पे थे, सब लेजेंड्स थे। काइंड ऑफ लाइक 2023 वर्ल्ड कप जो इस साल हुआ है, उसके तुरंत बाद एक वर्ल्ड कप ऐसा आता ही आता है हर टीम का, जहाँ पे एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। उस टाइम पे सचिन, युवराज, यूसुफ पठान, सब लोग, गौतम गंभीर, सहवाग, जहीर खान, सब चले गए थे, सारे, हरभजन सिंह, सब चले गए थे। एक बहुत यंग टीम थी और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे लाइक रायना, धोनी। तो एक ट्रांजिशनरी वर्ल्ड कप 2027 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में, जहाँ पे कुछ लीडर्स लाइक विराट कोहली, बुमराह, मे बी दीज गाइज कैन बी देयर। सिराज उस टाइम पे, he'll be 30, he'll be a leader। केएल राहुल, he'll be 34 और समथिंग, he will be a leader। ये 4-5 प्लेयर ऐसे होंगे, बट बाकी 10 प्लेयर स्क्वाड में वो सारे यंगस्टर्स होंगे। तो 2027 तक, क्योंकि 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और ये टीम मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेगी, तो 27 का वर्ल्ड कप इनएविटेबली एक ट्रांजिशनरी वर्ल्ड कप ही होगा। राइट। और यहाँ पे अब डिलेमा क्या, अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है 2027 का, जब हमने कहा था कि ओडीआई का भी एक नया कोच लाया जाए जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट where we start making a new team, because now we would know कि विराट कोहली अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, बुमराह नहीं खेलने वाला, केएल राहुल मोस्ट लाइकली नहीं खेलने वाला। हाँ, बस ईगो वाला बर्डन नहीं है, मोस्ट लाइकली विराट कोहली वगैरह तब तक अपना ओडीआई फॉर्मेट से रिटायरमेंट भी अनाउंस कर चुके होंगे, एंड आखिरी का 1-1.5 साल अपना जो है वो टेस्ट पे फोकस करेंगे। तो वंस अगेन, जो मैंने अगले साल T20 के लिए कहा है कि हमारे पास लग्जरी होगी 0 से स्टार्ट करने का, नो ईगोज, सेम होगा 2027 में ओडीआई फॉर्मेट के साथ, एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच देयर एज वेल। तो 2027 में वी सेट द टाइमलाइन जहाँ पे एक नया कोच फॉर ओडीआईज एंड एक न्यू टीम, अ न्यू कैप्टन आ सकता है। रिगार्डलेस रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलता है नहीं, अगर रोहित शर्मा एज ए कैप्टन खेलता है तो डेफिनेटली उसके बाद एक नया कैप्टन तो आएगा ही, बिकॉज रोहित शर्मा 2031 का नहीं खेलने वाला। हाँ। अगर हार्दिक पांड्या भी होता है, मैं कह रहा हूँ 2027 का कैप्टन, तो भी एक नया कैप्टन आएगा ही आएगा, बिकॉज हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ विल बी 34 और समथिंग, राइट, एंड हिज बॉडी विल नॉट सस्टेन, आई एम श्योर। तो चाहे अभी कैप्टन चेंज हो रहा है रोहित शर्मा का 2025 के बाद या नहीं हो रहा, जो 2025 में अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेता है ओडीआई से, जो नया कैप्टन आएगा वो भी सिर्फ 2 साल के लिए ही होगा। 2027 में हमें चेंज कर देना चाहिए फॉर श्योर, और 4 साल देने चाहिए उस नए कैप्टन को। तो 2027 में न्यू कोच न्यू कैप्टन न्यू टीम इन ओडीआईज, 2024 में अभी अगले साल न्यू कोच न्यू कैप्टन न्यू टीम इन अपना T20 फॉर्मेट। ये तो आई थिंक उस टाइम पे एकदम परफेक्ट टाइम होगा फॉर गाइज लाइक अपना शुभमन गिल, क्योंकि 4 साल और होंगे, 28 तो आराम से उस टाइम पे हो सकता है, कम से कम 7 साल और कैप्टनसी कर सकता है। एंड 2027 तक क्योंकि ये सब चेंजेस हो चुके होंगे एज अ रिजल्ट, और 2027 में बाय द वे WTC चैंपियनशिप भी होगी, सब अलाइन कर रहा है साथ में। तो 2027 कुड ऑल्सो बी अ ईयर जहाँ पे हम लोग टेस्ट में भी, अगर हम लोग T20 और ODI में नए नए कैप्टन ला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टेस्ट में भी एक अलग ही कैप्टन और कोच बची जाएगा, बट अगर उन बच्चों के कोच और कैप्टन को भी चेंज करना है तो 2027 इज द आइडियल टाइम। सो बाय 2027 द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट शुड बी वेरी फर्म, विच इज ये अगले 4 साल में हम लोग को पूरी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए, एंड वी शुड फुल्ली ट्रांजिशन इन टू दिस न्यू अप्रोच, different coaches, different captains for different teams, and then 2027 में अप्रोच ले आए तो then we'll have 4 years to prepare for the next one. Exactly, काफी टाइम होगा हमारे पास, और T20 के लिए तो तब तक हमारे पास 3-4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक ये टाइमलाइन होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है आई थिंक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा सबसे पहले तो, बिकॉज वो बर्डन हट जाएगा कि हमें हर फॉर्मेट में खेलना, इंजरीज होनी कम हो जाएंगी, एंड स्पेशलाइजेशन में हम लोग घुस सकते हैं भाई, रिजल्ट्स बेटर होंगे। स्काई, देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज अनदर बीस्ट इन T20 एंड सच अ मीडियोकर प्लेयर इन ओडीआई। एग्जैक्टली, हां सेम प्लेयर अभी आई एम श्योर वो T20 सीरीज में रन मारेगा, आई एम श्योर, बट अभी वर्ल्ड कप में क्यों नहीं मार पा रहा था? ये सूर्यकुमार यादव को तुम ब्लेम करना तो कर लो, बट ही इज द फेस ऑफ द अपकमिंग जनरेशन। ऐसी प्लेयर्स मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में जिनका एक फॉर्मेट का फॉर्म डिपेंड नहीं करेगा दूसरे फॉर्मेट पे, इन अ गुड वे एंड इन अ बैड वे ऑल्सो। तो हम लोग को स्पेशलाइजेशन में तो उतरना ही है, स्पेशली इन T20, तो हम लोग एक अलग ही टीम होनी चाहिए 2024 के बाद जो कि सिर्फ T20 खेलती है। एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड। इसमें सबसे बड़ा कॉल है कि प्लेयर्स को सैटिस्फाई होना पड़ेगा इस चीज़ से, दे विल हैव टू मेक पीस विद इट कि अब नहीं हो सकता, वो टाइम गया जब हम अपनी कंट्री से हम तीनों फॉर्मेट खेलते थे। राइट, शायद 2-3 प्लेयर जैसे होंगे फिर भी, बट नॉट मोर देन दैट भाई। एंड आई थिंक अगर ये लोग करेंगे तो 2027 तक वी वुड हैव मेड सम हार्ड कॉल्स, बट 2030 का जो डेकेड होगा आने वाला वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, और एक ऐसा टेम्पलेट हम सेट कर देंगे जो कि आने वाले 2 डेकेड्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ऊपर ही जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे फॉर श्योर। बट नाउ दैट यू हैव डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज। यहाँ पे हमें थोड़ी झलक मिलने वाली इस चीज़ की, क्योंकि अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, पहले तो तुम्हारा इनिशियल रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्क्वाड? आई थिंक काफ़ी यंग प्लेयर्स देखने को मिले, एंड सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि सूर्य कुमार यादव इज गोइंग टू बी द कैप्टन, दैट काइंड ऑफ टेल्स यू कि जितने और सीनियर प्लेयर्स थे वो सब रेस्ट पे होंगे। एंड सही बात भी, आई थिंक रेस्ट पे होना भी चाहिए, इतने टायरिंग वर्ल्ड कप के बाद वो लोग वापस आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी लॉस भी झेली है, आई थिंक इट्स नेचुरल एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू टेक द रेस्ट एंड देन बाद में आए वापस। बट हाँ यार, काफ़ी नए नए प्लेयर्स देखने को मिले, गायकवाड़ है अपना, तिलक वर्मा है, जायसवाल है, किशन भी है। आई थिंक ये 2 ही प्लेयर्स है शायद इस टाइम पे, ईशान किशन है एंड श्रेयस अय्यर अपना आखिरी के 2 T20 में ज्वाइन करेगा एज द वाइस कैप्टन। एंड ये 2 प्लेयर अपने, ये 3 प्लेयर अपने वो हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड से। ओके, आई थिंक सही बात है, मतलब अच्छी बात है कि बाकी जो जो सीनियर प्लेयर्स उन सबको रेस्ट दे देगा, क्योंकि आई थिंक बहुत मच नीडेड रेस्ट था। एंड यहाँ से अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो लोग परफॉर्म करेंगे, क्या उस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, मेन क्वेश्चन है। अब मैं आपको ना जरा स्क्वाड बता दूँ किस टाइप के नाम है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन है, ठीक है, ईशान किशन है, यशस्वी जायसवाल है, हमारा तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा वॉज अभी एशिया कप तक, आपको सबको याद होगा कि वो वर्ल्ड कप में खिलाने के शॉट्स। राइट, रिंकू सिंह फाइनली अपना आ गया है, जितेश शर्मा है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षय पटेल वापस आ चुका है अपना, शिवम दुबे होगा, रवि बिश्नोई होगा, युजवेंद्र चहल को नहीं लिया बाय द वे, रवि बिश्नोई को ले लिया, उसे ट्वीट कर रहा था स्माइली इमोजी। एंड इट इज काइंड ऑफ सैड बिकॉज पता है T20 में हमारे पास वो लग्जरी है, क्योंकि हर 2 साल में वर्ल्ड कप होता है, कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लान बना के चल सकते हैं, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। अभी जो हमने टाइमलाइन सेट करी पिछले सेगमेंट में कि 2024 तक हमें फ्रेश टीम रखनी चाहिए, हम बस लग्जरी पता है क्या है, ये जो फ्रेश टीम हम सेट कर रहे हैं ना, ये हर 2-4 साल में हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। एवरी 2 T20 वर्ल्ड कप्स एट मैक्स वी कैन स्टार्ट फ्रेश वंस अगेन. एंड सो गिवन कि चहल अभी अपनी अर्ली 30s में ही आई थिंक इजीली अगला वर्ल्ड कप तो खेल ही सकता था, स्पेशली गिवन कि हम लोग अभी कहा है कि अगले वर्ल्ड कप में मोस्ट लाइकली ये सारे प्लेयर्स ही होंगे. एंड ये चीज़ हमने कितनी बार बोली है, जब अभी WTC फाइनल हारे थे तब ये चीज़ सुनील गावस्कर ने बोली थी कि जो आपका टेस्ट में मेन बंदा है आप उसको कैसे बेंच कर सकते हो. सेम गोज फॉर यूज़वेंद्र चहल. ना पिछला T20 वर्ल्ड कप खेला, ना ये वाला खेल रहा है. इंडिया में T20 का टॉप विकेट टेकर है, कैसे नहीं खेल रहा है वो बंदा. एक ना एक बॉलर तो ऐसा लाइक पेसर्स के अलावा भी स्पिनर एक ना एक ऐसा होता ही है जो कि हम लोग एक्सपीरियंस और प्लस हम लोग ये नहीं कहते कि उसके पास ओवरऑल पैकेज होना चाहिए तभी ये खेलेगा. अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि वर्ल्ड कप खिलाओ, क्योंकि शायद अगर कुलदीप यादव जडेजा वगैरह सब होंगे तो जगह नहीं बनी, बट एटलीस्ट अब मैं कह रहा हूँ स्क्वाड में भी मत लो चलो, बट इस सीरीज में तो खिला ही सकते थे. इस सीरीज में ना खिलाने का कोई बहाना नहीं है भाई. ऐसे एक दो और नाम भी आएंगे जो डिस्कस करेंगे हम लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए, बट आगे बढ़ते हैं. अर्शदीप सिंह वापस आ चुका है, प्रसिद्ध कृष्णा अनदर गाय फ्रॉम वर्ल्ड कप बाय द वे, और वो खेला नहीं था इसलिए हमने नाम नहीं लिया. आवेश खान और मुकेश शर्मा है यहाँ पे. अब यहाँ पे 15-16 नाम में से 10-11 नाम आपको सारे नए देखने को मिल रहे हैं. और अभी हमने डिस्कस करा, इफ़ यू आर ट्यूनिंग इनटू दिस सेगमेंट डायरेक्टली टाइम स्टैम्प देख के आई वुड रिकमेंड कि आप पिछला सेगमेंट भी देखो हमारा फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट वाला. अभी हमने ब्रेकडाउन करा कि कैसे मोस्ट लाइकली जो टीम हमने 2023 वर्ल्ड कप में देखी दे विल बी प्लेइंग in the T20 World Cup also, or they should be rather, I hope so, which means guys like Yashasvi Jaiswal, Rituraj Gaikwad जो कि ओपनर्स हैं हमारे, इनका ये वाला नहीं होगा, मोस्ट लाइकली नहीं होगा. अगर श्रेयस अय्यर अभी वापस आ रहा है, वर्ल्ड कप खेल के वापस आ रहा हो, कोई रीजन नहीं उसको वापस बुलाने का, तो इट इज काइंड ऑफ मेकिंग सेंस कि उसको रखने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप में मे बी. मीन्स कि बीच में मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, इनमें से कोई सैक्रिफाइस होने वाला है. शिवम दुबे, इनमें से कोई सैक्रिफाइस होगा. तिलक वर्मा का भी गया, तिलक वर्मा शायद इन चारों में से कोई एक सैक्रिफाइस होगा ही होगा. संजू सैमसन को तो स्क्वाड में नहीं लिया भाई, एशियन गेम्स में भी नहीं लिया था उसको. थोड़ा मुझे अनफेयर लगा, मुझे भी लगा. मैं ये जरूर इस बात में था फर्म कि नहीं भाई आई थिंक वर्ल्ड कप में स्काई को ही लेना चाहिए ओवर हिम, बट इतना ही हैज नॉट डन सो बैड कि उसको इस सीरीज में भी ना लो, राइट, एंड अपना एशियन गेम्स में भी ना लो. आई थिंक बहुत अनफेयर हुआ है संजू सैमसन के साथ फॉर श्योर. भुवनेश्वर कुमार के लिए काफ़ी लोग कह रहे थे उसको क्यों नहीं लिया स्क्वाड में. आई थिंक भाई पिक्चर इज वेरी क्लियर, टाइम हो चुका है. अभी उसने शायद मुश्ताक अली उसमें ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, बट पॉइंट वही है कि अगर आप प्लान्स भी नहीं हो तो आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो यू विल नॉट. वसीम जाफर ने कितना अच्छा परफॉर्म करा था रणजी ट्रॉफी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, बट ही वाज नेवर इन द प्लान्स. अभिषेक शर्मा एक लड़का है, उसके लिए कहा गया भाई कि उसने 400 कुछ रन बनाया, उसको क्यों नहीं लिया गया. वही बात है कि यार जो नाम अभी लिए गए हैं उसमें सब किसको हटाओगे अभी. मतलब आई गेट वाई यू वुड वांट टू रिमूव सम प्लेयर्स देयर, बट वो सब जो प्लेयर्स हैं वो अभिषेक शर्मा से ज़्यादा लंबे टाइम से पार्ट रहे इंडियन टीम के प्लान्स का, एंड इट इज़ ईजियर टू फॉल बैक ऑन देम फॉर अ ट्रायल सीरीज में भी. इट मेक्स मोर सेंस बिकॉज सिर्फ 6 महीने का टाइम है, तो आपको एक फ्रेश प्लेयर से स्टार्ट कराना क्या आप चाहते हो. आई गेट व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीसीसीआई इज ऑन दिस पॉइंट. बात ये रही एक और प्लेयर जो मैं कहूँगा रियान पराग की, जिसने बहुत रन मारे हैं अभी, बहुत अच्छा परफॉर्म करा है. बेसिकली ये रियान पराग, भुवनेश्वर कुमार, अभिषेक शर्मा ये सब सेलेक्ट नहीं हुए, तो लोग कह रहे हैं कि क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस मैटर ही नहीं करती, आप सिर्फ IPL के बेसिस पे ले रहे हो क्या. वो क्वेश्चन भी वैलिड है क्योंकि आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस देना चाहते हो बिल्कुल, बट पॉइंट वही है कि आई थिंक रियान पराग इज दैट एक्सेप्शन जो कि हम लोग शायद कंसिडर कर सकते थे यहाँ पे, बट फॉर एवरीबडी एल्स पॉइंट वही है, सिर्फ 6 महीने रह गए एंड मोस्ट लाइकली जो प्लेयर्स इस लीग में इस सीरीज में सेलेक्ट हुए वो खेलेंगे भी नहीं, स्क्वाड में भी नहीं होंगे अल्टीमेटली, बिकॉज वो सुपरस्टार सारे वापस आने वाले हैं. तो आप खिला के वैसे भी फॉल्स होप दो, जो भी दो, क्या ये फायदा, लॉन्ग टर्म में कोई फर्क पड़ने नहीं वाला. मतलब जो आप इतना अगर कोई रो रहा है अगर इतना, तो आई गेट वाई ही इज क्राइंग, बट वो लॉन्ग टर्म में उस प्ले के लिए कोई फर्क देने नहीं वाला, क्योंकि मोस्ट लाइकली ही विल नॉट बी प्लेइंग इन दैट T20 वर्ल्ड कप रिगार्डलेस, राइट. सो एंड वन मोर थिंग, आई थिंक ये सीरीज में कोई कितना ही परफॉर्म कर ले अल्टीमेटली बात IPL पे ही आई अगले साल, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, एंड राइटफुली सो जो सेमी फॉर्म पे उसको ही लिया जाएगा. सो जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं BCCI को इस टीम के सिलेक्शन को लेकर, स्क्वाड के सिलेक्शन को लेकर, आई थिंक बहुत शॉर्ट साइटेड होकर सोच रहे हैं वो लोग, बिकॉज आज से 5-6 महीने बाद ये सीरीज मैटर भी नहीं करेगी क्वाइट फ्रैंकली. इट इज़ बेसिकली अ कॉम्पनसेशन सीरीज कि आप अभी जो सारे प्लेयर्स हैं वर्ल्ड कप खेल के उनको रेस्ट दे दो, और T20 भी खिलाने हैं, कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है, तो जो प्लेयर्स बचे उनको भर दो. तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा हमें ना एनालाइज और कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं स्क्वाड को. ऐसा होता कि अगर हमने BCCI ने प्लान बना लिया है कि हमें 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए एक फ्रेश टीम चाहिए, जीरो से शुरू कर रहे हैं, जो कि हमने कहा कि 24 के बाद होना चाहिए, तब होता तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती और फिर जो जो नाम हुए होते एक एक को हम लोग स्क्रूटनाइज कर सकते थे कि अच्छा क्या ये डिजर्व करता है क्या नहीं करता, हाँ ब्रेक डाउन करते पूरा, तब क्रिटिसिज्म वैलिड था। बट क्वाइट फ्रैंकली जो लोग सोच रहे हैं बहुत स्ट्रांगली दुखी हैं मत हो, क्योंकि यार जनरली बताओ मैटर ही नहीं करेगा ये सब। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस स्क्वाड सो मच, इट डज नॉट रियली मीन अ लॉट। कीपिंग दैट इन माइंड, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें भाई दे हैव अ लॉट ऑफ, वो पूरा फ्लेक्स करने का मूड में है भाई भी। मतलब अपना मैं बताऊं को स्टीव स्मिथ है, मार्कस टॉयनेस है, एडम जैम्पा भी है, ट्रेविस हेड है, शॉन एबॉट है, जेसन बेरेंडोफ भी आ गया, मैथ्यू वेड कैप्टन है, ग्लेन मैक्सवेल है भाई, जॉश इंग्लिश भी है। तो सारे जो अपने ऑलमोस्ट नहीं आए, वो बुरा है कि हम अभी तो जीते हैं, हमको अपना खराब करें, अपना पार्टी को खराब क्यों करें भाई, अभी जीत के आए ये भी जीतेंगे, वो उस मूड में। बट आई थिंक एक ना ये बात मैंने रियलाइज़ करी थी, इंडिया भी T20 ODI और टेस्ट तीनों में नंबर 1 है, और नंबर 1 आप कैसे बनते हो जब आप कंसिस्टेंटली सारे मैचेस जीतते हो, विच मीन्स विनिंग अ लॉट ऑफ बायलैटरल मैचेस आल्सो। बट वी आर नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप्स, आईसीसी ट्रॉफीज हम नहीं जीत रहे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत फेयरफुल क्रिकेट भी खेल रहे थे, जो कि हमने अब आई नो राहुल द्रविड़ ने कहा था कि आई डोंट थिंक वी प्लेड फेयरफुल क्रिकेट इन द फाइनल, बट आई थिंक वी डिड, एंड इसीलिए हम लोग हारे हैं थोड़ा बहुत। हमने लास्ट पॉडकास्ट में पूरा ब्रेक डाउन करा है इसको। ये फेयरफुल क्रिकेट हम लोग मेन स्टेज पर आके इसीलिए खेल रहे हैं बिकॉज हम अपने प्लान्स में कॉन्फिडेंट नहीं होते, या फिर फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। वो तभी हटेगा जब हम लोग इन बायलैटरल्स को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देंगे। डोंट स्ट्रेस अबाउट इट सो मच इफ यू आर लूजिंग, चाहे रैंकिंग 3 पे आ जाए 4 पे आ जाए, अगर वर्ल्ड कप जीत रहे तो इट डज नॉट मैटर, रैंकिंग मैटर नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 थोड़ी थी, जीत गई ना फिर भी। सो आई थिंक ऐसी सीरीज में अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन कर भी ना, इट इज गुड। अगर हम लोग सीरीज हार भी जाते हैं ना, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। हमारा एम क्या है, हमें वर्ल्ड कप जीतना अगले साल। ये सीरीज जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत देख लिया भाई, पिछले 10 साल में बहुत सीरीज जीत ली ऐसी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। एम शुड बी टू विन द वर्ल्ड कप, और उसके चलते हुए अगर हम लोग कुछ बायलैटरल सीरीज सैक्रिफाइस कर भी रहे, शुड नॉट रियली मैटर। मतलब इट्स टाइम वी एज अ कंट्री स्टॉप फोकसिंग ऑन द रैंकिंग्स। आई थिंक वो एक मेजर शिफ्ट हमें कल्चर में चाहिए अपना। बट लास्ट वर्ड्स ऑन दिस, डू यू थिंक दिस स्क्वाड हैज एनी रेलिवेंस, या फिर इसके परफॉर्मेंस का कुछ थोड़ा भी हो सकता है, कुछ हमें हेल्प मिले टू डिसाइड द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड? आई थिंक थोड़ा बहुत तो हो गई, लाइक बहुत ही कम होगा, बट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस शायद दी जाए, क्योंकि ये यंगस्टर्स में से एज वी सेड कि मेन प्लेयर जो है वही बेसिकली प्लेइंग 11 में आएंगे, बट जो स्क्वाड होगी टोटल में उसमें कुछ कुछ यंगस्टर्स की स्पेस होगी। तो गाइज लाइक रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ये सब स्क्वाड में आ सकते हैं, जायसवाल, ये सब स्क्वाड में आ सकते हैं, गिवन कि ये लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। अगर कोई और बंदा इनकी जगह परफॉर्म कर लेगा तो ऑब्वियसली शायद उन्हें इंपॉर्टेंस दी जाए, एंड ऑब्वियसली IPL विल प्ले अ ह्यूज रोल इसमें। तो आई थिंक जिन भी यंगस्टर्स को भी पार्ट होना है वर्ल्ड कप का, क्योंकि आई थिंक अगर ये लोग पार्ट भी होते हैं ना वर्ल्ड कप का, स्क्वाड में भी होते हैं, देन ऑब्वियसली इट विल गिव देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जैसे हमने भी ईशान किशन के लिए कहा कि चलो एटलीस्ट वो पार्ट था इस ODI वर्ल्ड कप का, तो मे बी नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप आते आते शायद बेटर परफॉर्म करे। वो पार्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक इन जितने भी यंगस्टर प्लेयर्स हैं इनको परफॉर्म तो प्रॉपरली करना चाहिए, दे शुड गिव देयर ऑल, क्योंकि हो सकता है कि इन परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनसे 1, 2, 3, 4 प्लेयर शायद सेलेक्ट हो जाए। तो आई वोंट से कि एकदम ही रेलेवेंट हो जाएगी, बट हाँ अगर ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स देखें, इन जनरल बात करें, तो एज यू सेड जो जो लोग रो रहे हैं कि उनके प्लेयर्स को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, इट वोंट रियली मैटर दैट मच, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ भाई अभी जस्ट वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो अगर जीतते हैं तो अच्छा ही लगेगा हमें, पता नहीं अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, ये तो जीत गए वर्ल्ड कप, हार गए ये वाला, जीत गए। बट हाँ यार मतलब इसमें भी आई थिंक जो हमने लास्ट पॉडकास्ट बोला था वो पार्ट आएगा ही आएगा कि BCCI को मैच रखना ही नहीं चाहिए था। 3-4 दिन बाद वर्ल्ड कप हारने के बाद आप थोड़ा वो ठूस रहे हो मुंह में वो चीज़ ना कि भाई देख जल्दी देख, वो चीज़ अच्छी लग नहीं रही, वो जनरली थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है इस टाइम पे। तो हाँ बट ठीक है भाई, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट करेंगे प्रॉपर्ली। आई होप इंडिया विंस दिस सीरीज। मैचेस तो देखेंगे भाई, सारे देखेंगे। हाँ लेट्स सी, सूर्यकुमार यादव का थोड़ा मैजिक देखने को मिले तो मज़ा आया मैचेस में। बट हाँ भाई लेट्स होप जीते हैं। बाकी अगर आप अभी तक यहाँ पे पॉडकास्ट देख रहे हो तो थैंक यू भाई देख रहे हो पॉडकास्ट। इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आप लोग किस किस पॉइंट से अग्री करते हो, किससे डिसअग्री करते हो, क्योंकि स्पेसिफिकली इस बार जो भी हमने फुटबॉल और क्रिकेट में डिस्कस किया वो सारे काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस बेस्ड हो सकते हैं, काफ़ी आई थिंक इनडेप्थ आज टॉपिक्स है जो कि काफी फंडामेंटल है दोनों स्पोर्ट्स के लिए, हाँ, चाहे वो ऑयल क्लब से हमने बात करी हो, चाहे वो फ्यूचर की बात करी हो क्रिकेट में. आई थिंक काफी इन्फॉर्मेटिव था आज का एपिसोड. तो जो भी आप कमेंट्स, जो भी आपके ओपिनियंस है वो सब हमें कमेंट्स में बताएगा. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आपको भाई यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको आप चेक करिए बिल्कुल एंड बताइए कैसी लगी वीडियो आपको. बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में.